दोस्तों नमस्कार। आज 23 मार्च 2023 है और आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्मदिन है। 23 मार्च 1910 को लोहिया जी का जन्म हुआ था और लोहिया जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर सेनानी रहे हैं, प्रमुख चिंतक रहे हैं, समाजवादी राजनेता रहे हैं। और चूंकि नई पीढ़ी के युवाओं, खास करके जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, SC ST वर्ग के जो युवा हैं, जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए, सामाजिक न्याय संघर्ष से जुड़े हुए हैं और जिनकी जीवन शैली सामाजिक न्याय और समानुपातिक भागीदारी के बाद ही बेहतर हो पा रही है देश में, क्योंकि देश की अधिकांश जो आबादी है वह सामाजिक न्याय से पहले से जो है वह दूर रही और भागीदारी, उनकी जो समानुपातिक भागीदारी होनी चाहिए थे शासन के हर क्षेत्र में, वह नहीं हो पाई। तो वह जो संघर्ष हुआ है भारत में 1947 के पहले और उसके बाद, वो दोनों को समझना पड़ेगा। और इस संघर्ष के जो प्रखर चिंतक रहे हैं, नेता रहे हैं, योद्धा रहे हैं, उसके पूरे जीवन वृत्त को समझना अनिवार्य है। हम जयंती मनाते हैं तो निश्चित तौर पर यह अनिवार्य है समझना कि जिनकी भी हम जयंती मना रहे हैं उनकी पूरी लाइफ कैसी रही है, किस तरह का स्ट्रगल उन्होंने किया है, क्या उनकी विचारधारा थी, कहाँ कहाँ उनको संघर्ष करना पड़ा और उसके क्या क्या परिणाम हुए, और वह परिणाम आज पहले कैसे समाज को बदला और आज वह समाज को कैसे बदल रहा है, या आज वह किस तरह से प्रासंगिक है। इन सारी बातों को हम तभी समझ पाएंगे जब हम उनके पूरे जीवन यात्रा को समग्रता से समझने की कोशिश करेंगे। तब हम सही निर्णय ले पाएंगे कि वास्तव में जो हमारे महापुरुष हैं वो किस तरह से आम लोगों के लिए, की भागीदारी को मजबूत करने के लिए, उसे हर क्षेत्र में न्याय दिलाने के लिए किस तरह से संघर्ष करते हैं और हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी चीजों को समझने के लिए अनिवार्य है कि उनके पूरे जीवन से यात्रा को एक बार समग्रता से समझा जाए। तो आज हम लोग, आज के इस एपिसोड में आज हम लोग इसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह डाक टिकट टिकट जारी किया गया था। यह डाक टिकट 1977 में जो है यह जारी किया गया था। 1977 में डाक टिकट जारी किया था लोहिया जी पर। और इनकी जो है पूरे जीवन यात्रा, आरंभिक जीवन, शिक्षा, यूरोप प्रवास, स्वदेश आगमन और स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका, खास करके भारत छोड़ो आंदोलन, गोवा और गोवा मुक्ति आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनका क्या योगदान रहा, उसको समझना है। फिर जा करके हम लोग जो है ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो देहावसान उसका कैसे हुआ, और फिर इसके बाद जो समग्रता में कि गैर कांग्रेसवाद के किस तरह से उसको शिल्पी कहा जाता है और उनकी जो था जीवन शैली की जैसी कथनी वैसी करनी, इस तरह से, और वो राजनीतिक शुचिता के पक्षधर थे तो किस तरह से थे, ये सारी सब क्रांतियां थी, क्या थी, भारत विभाजन पर लोहिया जी के क्या विचार हैं, उनकी क्या क्या लेखन रही है और क्या स्मारक रही, सारी बातों को हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। आप देख लीजिए कि यह इनका जो इनकी मृत्यु हुई थी 57 वर्ष की आयु में हुई थी, 12 अक्टूबर 1967 को, 1967, और आज आप हैं 2023 में हैं, तो 2023 में हैं तो इसका मतलब आप जान रहे हैं कि 56 साल हो गए, 56 वर्ष हो गए लोहिया जी को डेथ किए हुए। इसके बाद भी हम लोग आज उनकी चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह बात अनिवार्य है कि हम महापुरुषों को किस तरह से याद करते हैं, क्यों याद करते हैं, उनके कार्यों से याद करते हैं, तो कार्यों को समझना पड़ेगा। और तब संक्षेप में 2 लाइन 4 लाइन समझ लेने से हम उनके अनुरूप चलने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सकते हैं या हम उनसे कुछ सीख नहीं सकते हैं। बस जयंती मना लेना ये पर्याप्त नहीं है। तो आज हम लोग इसी चीज को देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से रहा है लोहिया जी का संघर्ष। तो सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि उनका जो आरंभिक जीवन है वह क्या रहा है। तो लोहिया जी का जन्म जो है 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में, वर्तमान अंबेडकर नगर जनपद है, वहां हुआ था। और उनके पिताजी थे श्री हीरालाल, ये पेशे से अध्यापक थे और हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे, अध्यापक थे और राष्ट्रभक्त थे। 2.5 वर्ष की आयु में इनकी माताजी का, जो चंदा देवी इनका इनके माताजी का नाम था, वो देहांत हो गया, मतलब बहुत बाल्यावस्था में इनकी माताजी की का देहावसान हो गया।
और उनकी जो दादी थी और उनकी जो उन परिवार में देखरेख करने वाली थी नाइन, वो उन्होंने उसको पाला और टंडन विश्वविद्यालय में चौथी क्लास तक उसे वो पढ़ने के बाद वो विश्वेश्वर रैया हाई स्कूल में एडमिशन करा लिए। इसके बाद उनके पिताजी चूंकि गांधी जी के अनुयायी थे तो जब भी गांधी जी से मिलने जाते तो राम मनोहर लोहिया को अपने साथ ले जाया करते। देखिए किस तरह से बचपन से ही जो है परिवेश बदलता है। क्योंकि गांधी जी के अनुयायी थे उनके पिताजी, तो गांधी जी के पास जब भी जाते थे तो वो ले जाते थे। इस कारण गांधी जी का जो विराट व्यक्तित्व था, ये अब देखिए जब ये 1910 है और गांधी जी 1915 में भारत आ चुके हैं, तो निश्चित तौर पर 1910 में जन्म हुआ है, 1915 में आ चुके हैं, तो उस समय में जो है जब गांधी जी यहाँ काम कर रहे हैं तो लोहिया जी जो है 10 10 12 साल के होंगे। जब बचपन में 5 7 8 10 साल के जब होते हैं बच्चे, तो इस समय में वो जहाँ कहीं पिताजी जाते हैं वहाँ वो लेके जाते हैं। इस तरह से वो जो है 1918 में, 15 में गांधी जी आए तो 1918 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। गांधी जी पहली बार 1917 में जो है वो कांग्रेस ज्वाइन किए थे, तो 1918 के अहमदाबाद अधिवेशन में पहली बार जो है वो उनके पिताजी के साथ जो है शामिल हुए। तो देखिए कि अब इसकी यात्रा 1918 से ही शुरू हो रही है। 1910 में लोहिया जी का जन्म हुआ, मात्र जो है 8 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अधिवेशन में जब उनके पिताजी गए तो उस समय में वो वहां पर वो पहुंचे हुए थे। ये देखिए किस तरह से परिवेश का अंतर पड़ता है। इसलिए मैंने पहले कहा कि आपके पूरे जीवन यात्रा को समझना अनिवार्य है। फिर बम्बई के मारवाड़ी हाई स्कूल से जो स्कूल से उसने पढ़ाई की, फिर उसी समय में जो है 1920 में लोकमान बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, उसके वजह से विद्यालय के लड़कों के साथ जो है 1 अगस्त को हड़ताल किया गया था। गांधी जी की पुकार में 10 वर्ष की आयु में ही वह स्कूल त्याग दिया। अब 10 वर्ष हो रहा है इनका, 2020 1920 और 1920 में ही, चूंकि तिलक की जो लोकमान गंगाधर तिलक की जो हत्या हुई थी उसके विरोध में जो है जो आंदोलन हो रहा था, तो वो जो है क्या कहते हैं ये राम मनोहर लोहिया जी गांधी जी के आह्वान पर स्कूल छोड़ दिए। पिताजी जो है इनके विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन के चलते उनको सजा हो गई। फिर 1921 में फैजाबाद किसान आंदोलन हुआ, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू से इनकी मुलाकात हुई। अब देखिए गांधी जी से संपर्क, गांधी जी से, नेहरू जी से, तो ये शुरुआती बचपन से ही इनका जो है इनमें जो है बड़े बड़े नेताओं से संपर्क होना प्रारंभ हो गया। चूंकि पिताजी इनके जो है गांधीवादी विचारधारा के थे। 1924 में एक प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के गया अधिवेशन में वो जो है वह ये शामिल होते हैं इनके पिताजी। और 1925 की जो मैट्रिक परीक्षा उन्होंने दी, अब मैट्रिक परीक्षा भी इस के पहले ही इतने सारे मूवमेंट से वो जुड़ चुके थे और 61 कक्षा में 61% अंक आया था उनको और प्रथम स्थान से प्राप्त किए। इंटर की 2 वर्ष की पढ़ाई बनारस से क्या किया, काशी विश्वविद्यालय जिसको हम लोग अभी BHU बोलते हैं, और कॉलेज के दिनों से ही खद्दर पहनना शुरू कर दिया था। देखिए व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रारंभ से ही काफी जो है व्यक्तित्व के को दर्शाता है कि वो आगे चल करके क्या होगा। तो अब देखिए इसके बाद 1926 में, 1926 में जो है वे कांग्रेस पिताजी के साथ में गुवाहाटी कांग्रेस अधिवेशन, पहला अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन, दूसरा जो है गया कांग्रेस अधिवेशन 1924 में बिहार में, फिर गुवाहाटी कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। 1927 में उन्होंने जो है इंटर पास किया, मतलब 1910 और 1927, मतलब 17 साल की उम्र में उन्होंने इंटर पास किया और आगे पढ़ाई करने के लिए वह कलकत्ता जाकर के ताराचंद ट्रस्ट स्ट्रीट पे स्थित पोद्दार छात्र हॉस्टल में वो रहने लगे। विद्यासागर कॉलेज में दाखिला लिया और उसी समय में अखिल बंग विद्यार्थी परिषद का एक सम्मेलन हुआ था। अखिल बंग विद्यार्थी परिषद तो था उस समय में, जो सुभाष चंद्र बोस उसमें पहुंचने वाले थे वो नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की उस समय में। अब देख लीजिए कि यह प्रारंभ से ही छात्र मूवमेंट से भी जुड़ गए। 1928 में कांग्रेस कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में वे शामिल हुए। 1928 में अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन के रूप में वो सक्रिय हो गए। ये सारे संगठन से वो जुड़ते गए, तो जो कि संगठन से जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े व्यक्तित्व से जुड़ रहे हैं, तो वो प्रशिक्षण उनको मिलता गया कि किस तरह से जो है जो समाज के लिए काम करना है, या जो भी उस समय का जो परिस्थिति था उस हिसाब से। कलकत्ता में युवकों का सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और लोहिया विषय निर्वाचित समिति के सदस्य चुने गए। ये सब जो है ना विषय निर्वाचन समिति के सदस्य चुने गए, ये तीनों, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और लोहिया जी।
और 1930 में द्वितीय श्रेणी से फिर बीए पास की। मतलब पढ़ाई भी चल रहा है, दोनों चीजें हो रही है, मूवमेंट से भी जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े व्यक्तित्व से जुड़ रहे हैं, और फिर जो है पढ़ाई भी आपकी इनकी पूरी हो रही है। 1930 में मतलब 20 साल की आयु में इसने अपना बीए का जो है द्वितीय श्रेणी से पास किया। अब देखिए 1930 के बाद का मतलब 20 साल की अवस्था के बाद इनका जीवन किस तरह से रहा है। तो अब इसके बाद ये यूरोप की यात्रा पर जाते हैं, मतलब आगे की पढ़ाई करने के लिए। 1930 में को जुलाई गोलोहिया अग्रवाल समाज के कोष से, मतलब चूंकि अग्रवाल समाज से आते हैं ये लोहिया जी, तो उन्हीं के कोष से होता है ना समाज में कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनको सामाजिक तौर पर मदद कर करके आगे पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए इंग्लैंड भेजा रवाना हुए, वहां से बर्लिन गए और विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार उन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर बर्नर जम्बार्ड को अपना प्राध्यापक चुना और 3 महीने में जर्मन भाषा उसने सीख ली। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ की, तो जब नमक कानून तोड़ा गया तब पुलिस अत्याचार से पीड़ित होकर उसके पिता जो है हीरालाल जी लोहिया के को विस्तृत वो पत्र लिख रहे हैं। अब पिताजी उस पत्र लिख रहे हैं लोहिया जी को, 23 मार्च को लाहौर में भगत सिंह, आज की दिन ही जो है 23 मार्च को ही लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को जो है इनको फांसी दिए जाने दिया गया था। उसी के विरोध में लीग ऑफ नेशंस की बैठक में बर्लिन में पहुंचकर सीटी बजाकर दर्शक दीर्घा विरोध प्रदर्शन किया। अब चूंकि वो बर्लिन में थे और बर्लिन में जब थे तो 23 मार्च के दिन ये घटना घटी थी, क्या कहते हैं, तो उस 23 मार्च के दिन जो है वहां पर लीग ऑफ नेशंस की बैठक हो रही थी, उसमें जो है इनको पत्र लिखे थे उनके पिताजी, तो वहां जाकर के दर्शक दीर्घा में बैठ करके विरोध प्रदर्शन किया। मतलब शुरुआती दौर से ही इस तरह की प्रवृत्ति में वो शामिल थे। सभागृह से उन्हें निकाल दिया गया, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे उस समय में, वह जो सम्मेलन हो रहा था लीग ऑफ नेशंस का उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बीकानेर के महाराजा, तो उनके द्वारा मलोहिया जी को रोमानिया के प्रतिनिधि को खुली चिट्ठी लिखकर उसे अखबारों में छपवाकर काफी बैठक में बटवाया गया। तो उससे प्रतिनिधित्व किए जाने से पर लोहिया ने क्या किया कि खुली चिट्ठी लिखा रोमानिया की प्रतिनिधि को और अखबारों में छपवा कर उसकी जो प्रति है उसको कॉफी बैठक में लोगों के बीच बंटवाया। गांधी इरविन समझौता का लाहौर लोहिया ने प्रवासी भारतीय विद्यार्थी की जो संस्था थी मध्य यूरोप हिंदुस्तानी संघ की बैठक में संस्था के मंत्री के तौर पर समर्थन किया। जो गांधी इरविन समझौते हुए थे उसका समर्थन किया। कम्युनिस्टों ने विरोध किया। बर्लिन में स्पोर्ट्स पैलेस में हिटलर के का भाषण को सुना और 1932 में लोहिया ने नमक सत्याग्रह विषय पर अपना शोध प्रबंध पूरा कर बर्लिन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि धारण की। अब देखिए पढ़ाई भी उसने की, क्या किया तो पीएचडी जो उन्होंने किया उस पीएचडी में उन्होंने डॉक्टरेट की जो उपाधि लिया उसमें भी उसने विषय क्या चुना, विषय चुना जो नमक सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का, उसी विषय पर अपना रिसर्च किया। लोग बहुत सारा चीज पर रिसर्च करते हैं लेकिन जो इस तरह के महापुरुष होते हैं वह अपने काम से जुड़े चीजों को ही सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि उसको आगे बढ़ने का चांस रहता है और आगे वो समझ पाते हैं चीजों को। तो इस तरह से लोहिया जी जो है वह नमक सत्याग्रह पर ही अपना रिसर्च जो है वह पूरा किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बर्लिन विश्वविद्यालय से किया। अब इसके बाद जो है फिर वह 1930 से लेकर के 1930 से 1933 ये 3 वर्ष का कार्यकाल उनका रहा है यूरोप का। इसके बाद वह स्वदेश आते हैं और फिर जो है स्वतंत्रता संग्राम में वह भाग लेते हैं। 1930 में वह मद्रास पहुंचते हैं, रास्ते में सामान जब्त कर लिया जाता है, तब जाकर के वह समुद्री जहाज से उतरकर हिंदू अखबार का दफ्तर में पहुंचते हैं और वहां 2 लेख लिखते हैं और अपने अपनी जो काबिलियत है उसी से वो जो है मेहनताना लेकर के जो है वो आगे बढ़ते हैं। 25 रुपया उनको प्राप्त होता है और वो फिर कलकत्ता आ जाते हैं, कलकत्ता मद्रास से कलकत्ता, ठीक है। अब कलकत्ता से बनारस, फिर कलकत्ता से बनारस। अब ये मैप में आप जाइएगा तो मद्रास से कलकत्ता, कलकत्ता से बनारस। मैं एक मैप ड्रा करता हूं कि किस तरह से हम लोग यदि इसको समझने की कोशिश करें तो इस तरह से जो है ये जो है आपका ये जो है इस तरह से भारत का मैप इस तरह से होता है। तो पहले वो आए होंगे मद्रास, मद्रास आए होंगे तो मद्रास यहाँ आए होंगे, मलकत्ता मद्रास से फिर आए कलकत्ता,
कलकत्ता से फिर बनारस, ये मद्रास है, मद्रास से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर बनारस, बनारस जहां से अभी पीएम मोदी जी जो हैं आदरणीय प्रधानमंत्री यहां से सांसद है। तो ये इस तरह से जो है कलकत्ता उस समय में भारत की राजधानी थी, आप सब जानते हैं। नहीं, इस समय में भारत की राजधानी कलकत्ता 1937 नहीं, शिफ्ट हो गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता तो ये 1920 में ही ना ये शिफ्ट हो गया था। हाँ, दिल्ली, दिल्ली शिफ्ट हो गया था। उस समय में भारत की राजधानी दिल्ली हो गई थी। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमने एक दर्शाने का कोशिश किया, आप समझ पाए कि चूंकि उस समय में जहाज से ही लोग बाहर जब विदेश जाते थे पानी के जहाज से, उस समय में हवाई जहाज तो ऐसी थी नहीं उतनी मात्रा में। तो इस तरह से जो है फिर कलकत्ता से वो जो है कलकत्ता पहुंचते हैं, कलकत्ता से बनारस जाकर के मालवीय जी से, मदन मोहन मालवीय जी से मिलते हैं, और उन्होंने रामेश्वर दास बिरला से मुलाकात कराई उन्होंने, और फिर वहां से नौकरी प्राप्त कर लिए। 2 हफ्ते और रहने के बाद लोहिया जी के ने निजी सचिव बनने से इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि निजी सचिव बन के रहें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तब उनके पिताजी के एक मित्र थे सेठ जमनालाल बजाज, ये सब काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, उसको गांधी जी के पास ले गए, और गांधी जी ने उसने उनसे कहा कि ये लड़का राजनीति करना चाहता है। वहां पर गांधी जी के से इंट्रोड्यूस करवा करके जमनालाल बजाज ने कहा कि यह जो लड़का है राम मनोहर लोहिया, यह राजनीति करना चाहता है। कुछ दिन तक जमनालाल बजाज के साथ रहने के बाद शादी का प्रस्ताव मिलने पर शहर छोड़कर वापस कलकत्ता आ गया, और विश्व राजनीति की आगामी 10 वर्ष विषय, मतलब एक विषय था विश्व राजनीति के आगामी 10 वर्ष, ये विषय पर ढाका विश्वविद्यालय में व्याख्यान देकर कलकत्ता जाने आने आने जाने की राशि जुटाई। अब चूंकि कलकत्ता आने जाने की राशि जो है उनको मिल गया, विषय क्या था, विश्व राजनीति के 10 वर्ष, आगामी 10 वर्ष क्या होगा उस पर विषय पर व्याख्यान हुआ। पटना में फिर 10 मई 1934 को आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देश के समाजवादी जो है उस समय में 1934 की बात है, 17 मई 1934 को आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देश के समाजवादी, जितने समाजवादी नेता थे, अंजुमन इस्लामिया हॉल है, आप गांधी मैदान से जब निकलेंगे पटना पीएमसीएच की तरफ तो वहां पर अंजुमन इस्लामिया हॉल है, वहां पर इकट्ठा हुए थे। तो वहां समाजवादी पार्टी की स्थापना का निर्णय लिया गया, यह 1934 का वो समय है। यहाँ पर एक निर्णय लिया गया समाजवादी पार्टी की स्थापना किया जाए। यहाँ लोहिया ने समाजवादी आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की, और इसी समय में 1934 में लोहिया जी जो है समाजवादी आंदोलन किस तरह का होगा उसकी एक रूपरेखा जो है ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश किया। पार्टी के उद्देश्यों में लोहिया ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा, जो पार्टी का उद्देश्य था तय करना था, समाजवादी पार्टी जो बनाने का लक्ष्य था इस मीटिंग में, तो उसमें पूर्ण स्वराज को जो है लक्ष्य जोड़ने का संशोधन पेश किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि उसमें में और लोगों का अलग मत रहा होगा। फिर 21 से 22 अक्टूबर 1934 को बंबई के बरली स्थित रेडिमनेडी टेरेस में 150 समाजवादियों ने इकट्ठा होकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी। वहां पर ये संभव नहीं हो पाया, तो फिर जाकर के 1934 में ही अक्टूबर में, ये मई में हुआ था, और मई के बाद जो है अक्टूबर में जाकर के जो है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया, और लोहिया को जो है उसमें जो है राष्ट्र, लोहिया जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य चुना गया। कांग्रेस सोशलिस्ट नाम से एक मुखपत्र भी, कार्य संपादक उसको बनाया गया। तो ये इस तरह से देखिए किस तरह से एक कांग्रेस, चूंकि एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, लेकिन एक समाजवादी विचारधारा, सोशलिस्ट विचारधारा की बुनियाद जो है इस तरह से रखी गई 1934 में, जो कहां पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट ये सब जानना चाहिए, 150 समाजवादी इकट्ठा हुए और उन्होंने एक जो है बनाया पार्टी, नाम रखा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में लोहिया जी का भी चयन किया गया, और एक मुखपत्र, देखिए किसी भी संगठन का एक मुखपत्र होता है, यदि मुखपत्र नहीं होगा तो वह जो है संगठन बहुत दिन तक सक्सेस नहीं कर पाएगा, उसकी जो जड़ें जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी आम लोगों तक। तो मुखपत्र में सारी बातें, उसके एजेंडे रहते हैं शामिल, तो उसका संपादक बनाया गया किसको, लोहिया जी को। पत्र का नाम, मुखपत्र का नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट। गांधी जी के विरोध में जाकर उन्होंने काउंसिल प्रवेश का विरोध किया, काउंसिल प्रवेश का विरोध जो है इन्होंने किया, काउंसिल में प्रवेश करने का जो है गांधी जी का उस समय में राय था, लेकिन ये विरोध किए। गांधी जी ने लोहिया को 2 पत्र लिखे, गांधी जी पत्र लिखे लोहिया को,
और दो पत्र लिखे कि क्यों आप विरोध कर रहे हैं इस वजह से। 1936 में मेरठ में अधिवेशन जो हुआ उसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए पार्टी का दरवाजा खोल दिया। अब जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो मेरठ में अधिवेशन हुआ उसमें उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य हैं कहा गया कि वो भी आप जो है इसमें सदस्य शामिल हो सकते हैं। इसके बाद लोहिया बार बार कम्युनिस्टों के प्रति सचेत रहने की चेतावनी जयप्रकाश नारायण एवं अन्य नेताओं को देते रहते थे। ये बात कहते थे कि जो आप कम्युनिस्ट हैं उनको आप शामिल नहीं कीजिए, सोशलिस्ट मूवमेंट में कम्युनिस्ट नहीं आना चाहिए। देखिए मूवमेंट अलग अलग विचारधारा की, यदि आप सोशलिस्ट विचारधारा है, सोशलिस्ट विचारधारा है तो उस समय में कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग जो है, कम्युनिस्ट ये इसकी विचारधारा अलग है, सोशलिस्ट की विचारधारा अलग, चाहते थे कि ये ज्यादा इसमें शामिल न रहे। 1935 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जहां लोहिया को परराष्ट्र विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया। लखनऊ का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें परराष्ट्र विभाग का मंत्री इसको नियुक्त किया गया, जिसके चलते उन्हें इलाहाबाद जाना पड़ा। 1938 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में लोहिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के परराष्ट्र विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1940 में जब जाकर के 1940 में जब जाकर के कांग्रेस के कम्युनिस्टों को पार्टी से निकालने का निर्णय, कांग्रेस में जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनको पार्टी से रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें निकाल दिया गया। 1939 में जो त्रिपुरी कांग्रेस हुआ उसमें सुभाष चंद्र बोस को समाजवादियों ने समर्थन किया। ये सब इतिहास है, इसमें आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन आप इसको समझिए कि इसी तरह से डेवलप होता है कोई भी जो कोई राजनेता, जब डेवलप उसका जो विचारधारा डेवलप होती है तो उस विचारधारा में एक उसका काम है और उस काम को समझना ज्यादा अनिवार्य है। हम इसलिए एक डिटेल दे रहे हैं, आप विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं लेकिन आप सुनिएगा, आप इसको नहीं देख पाएंगे तो सुन करके भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है वो यात्रा शुरू होती है। डॉक्टर लोहिया तटस्थ बने रहे, उन्होंने ये कहा कि समाजवादियों का समर्थन किया और लोहिया ने गांधी जी द्वारा यह कहे जाने पर कि बॉस का चुनाव मेरी शिकस्त है पर प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव गांधी जी से सम्मानपूर्वक आह्वान करता है कि उनकी शिकस्त नहीं हुई है। मतलब गांधी चाहते थे कि ऐसा वो नहीं जीते क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन लोहिया जी चाहते थे कि नहीं यह जो है वो सही है कि वो उनका चयन होना कोई गलत नहीं है। गांधी जी के इच्छा अनुसार सुभाष चंद्र बोस कार्य समिति बनने को तैयार नहीं हुए। गांधी जी की इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस कार्य समिति में आ जाएं और अध्यक्ष नहीं रहे। नेहरू सहित अन्य कांग्रेस के नेताओं ने बोस के साथ कार्य समिति में रहने से इनकार कर दिया। नेहरू जो उस समय में थे वे इनकार कर दिए कि हम कार्य समिति में नहीं रहेंगे और बोस ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। तो ये एक उस समय का जो स्ट्रगल चल रहा था नेहरू बॉस मतलब सुभाष चंद्र बॉस और गांधी जी में, ये दिखा रहा है और उसमें लोहिया जी की क्या भूमिका है वो हम लोग समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो है वहां पर हुआ। इसके बाद लोहिया ने महायुद्ध के समय 1939 से 1945 जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके युद्ध भर्ती का विरोध किया गया। देशी रियासतों में आंदोलन, ब्रिटिश माल जहाजों से माल उतारने और लादने वाले मजदूरों का संगठन तथा युद्ध कर्ज को मंजूर तथा अदा न करने जैसे चार सूत्रीय मुद्दों को लेकर युद्ध विरोधी प्रचार शुरू कर दिया। ये तीन चार मांगों को लेकर के लोहिया जी जो है युद्ध विरोधी प्रचार शुरू किया। युद्ध नहीं होना चाहिए इनका मानना था। 1939 के मई महीने में दक्षिण कलकत्ता की कांग्रेस कमेटी में युद्ध विरोधी भाषण देना वो दे रहे थे और उसी समय में 24 मई को उनको जो है गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट्स के सामने लोहिया ने स्वयं अपने मुकदमों को लड़ने की पैरवी की और 14 अगस्त को उन्हें जो है फिर रिहा कर दिया गया। तो इस तरह से 1939 में कांग्रेस की समिति की जो बैठक हुई वर्धा में, इसमें लोहिया ने समझौते का विरोध किया। वर्धा में हुई जो समझौता हुआ था उसका विरोध किया। उसी समय उन्होंने शास्त्रों का नाश हो नामक प्रसिद्ध लेख लिखा। शास्त्रों का नाश हो उस समय में उन्होंने एक लेख लिखा और 11 मई 1940 को सुल्तानपुर के जिला सम्मेलन में लोहिया ने कांग्रेस से सत्याग्रह अभी नहीं नामक लेख लिखा। ये सब जो है अपना उनका किया हुआ काम है। गांधी जी ने मूल रूप से लोहिया द्वारा दिए गए चार सूत्रों को स्वीकार किया। जो चार सूत्री बात गांधी जी कर रहे थे, लोहिया जी कर रहे थे, उनको गांधी जी ने
स्वीकार किया। इस तरह से फिर आगे क्या हुआ, इसको देखिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि इस तरह से कार्य होते हैं। फिर आगे 4-7 जून 1940 को लोहिया जो है 11 मई को दोस्तपुर मतलब सुल्तानपुर में दिए गए भाषण के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें कोतवाली में सुल्तानपुर में इलाहाबाद के स्वराज भवन से ले जाकर के हथकड़ी पहनाकर रखा गया। 1 जुलाई 1940 को भारत सुरक्षा कानून की धारा 38 के तहत 2 साल की उनको सख्त सजा हुई। जेल भी जा रहे हैं। सजा सुनाने के बाद उन्हें 12 अगस्त को बरेली भेज दिया गया। 15 जून 1940 को गांधी जी ने हरिजन जो पत्रिका गांधी जी निकालते थे उनमें उसमें लिखा कि मैं युद्ध को गैर कानूनी मानता हूं। ये गांधी जी का वक्तव्य है, किंतु युद्ध के खिलाफ मेरे पास कोई योजना नहीं है, इस वास्ते मैं युद्ध से सहमत हूं। गांधी जी का ये वक्तव्य था। और 25 अगस्त को गांधी जी ने लिखा कि लोहिया और दूसरे कांग्रेस वालों की सजाएं हिंदुस्तान को बांधने वाली जंजीर को कमजोर बनाने वाले हथगंडे के प्रहार हैं। सरकार कांग्रेस को सिविल नाफरमानी आरंभ करने और आखिरी प्रहार करने के लिए प्रेरित कर रही है। मतलब ये सरकार को लिखा कि आप कांग्रेस को उकसा रहे हैं कि जो है इस तरह से, इसलिए ये सब करना मत। यद्यपि कांग्रेस उस दिन तक के लिए स्थगित करना चाहती है जब तक कि इंग्लैंड मुसीबत में हो। गांधी जी इस तरह से वो हरिजन पत्र में लिखते हैं। गांधी जी ने मुंबई में कहा कि जब तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जेल में हैं तब तक मैं खामोश नहीं बैठ सकता। मतलब गांधी जी जो है लोहिया जी के पक्षधर थे, उनसे ज्यादा बहादुर और सरल आदमी मुझे मालूम नहीं था। लोहिया जी के बारे में बोलते हैं गांधी जी कि उनसे ज्यादा बहादुर और सरल आदमी हमें नहीं मिला, इसलिए जब तक वो जेल में है तब तक मैं खामोश नहीं बैठ सकता। उन्होंने हिंसा का प्रचार नहीं किया, जो कुछ किया है उनसे उनका सम्मान बढ़ा है। गांधी जी लोहिया जी के बारे में लिखते हैं इस तरह से। जो है फिर 4 दिसंबर 1941 को अचानक लोहिया जी को रिहा कर दिया गया और देश के अन्य जेलों में बैन जो कांग्रेस के नेता थे उनको छोड़ दिया गया। 19 अप्रैल 1942 हरिजन में फिर लिखते हैं कि विश्वघाती जापान या असंतुष्ट ब्रिटेन, मतलब वो एक लेख लिखे कि विश्वघाती जापान या असंतुष्ट, क्योंकि यह 1900 हमने कहा कि 1939 से 1945 का जो द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उस समय का ये प्रकरण है प्रकाशित किया गया। गांधी जी ने टिप्पणी की कि मेरी उम्मीद है कि सभी संबंधित इससे ध्यान देंगे। ये इस तरह से यह है। इसके बाद 1942 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जहां लोहिया ने खुलकर नेहरू का विरोध किया। गांधी नेहरू के विचार से लोहिया जी उतने सहमत नहीं थे। इसके बाद अल्मोड़ा जिला सम्मेलन में लोहिया ने नेहरू को झट पलटने वाला नट, एक उसके लिए एक उपाधि उन्होंने दिया कि झट पलटने वाला नट, मतलब तुरंत जो अपनी बातों से पलट जाता है। गांधी जी के साथ एक सप्ताह रहकर लोहिया ने गांधी जी को वायसराय के नाम पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी जिसमें गांधी जी ने लिखा कि अहिंसा निष्ठ सोशलिस्ट, जो अहिंसा को मान्यता देता है, से सोशलिस्ट डॉक्टर लोहिया ने भारतीय शहरों को बिना पुलिस और फौज के शहर घोषित करने की कल्पना निकाली है। मतलब कि किस तरह से बिना पुलिस के फौज के आप शहर को सहल बना के रख सकते हैं, इसकी योजना डॉक्टर लोहिया के पास है, ऐसा गांधी जी लिखे हैं। लोहिया जी के द्वारा दुनिया के सभी सरकारों को नई दुनिया की बुनियाद बनाने की योजना की कल्पना गांधी जी के सामने रखी। मतलब गांधी जी के सामने लोहिया जी रखते हैं कि किस तरह से नई दुनिया की बुनियाद रखी जाए, उसकी एक कल्पना जो है गांधी जी के सामने रखा, जिसमें एक देश की दूसरे देश में जो पूंजी लगी है उसे जब्त करना, सभी लोगों को संसार में कहीं भी आने जाने का और बसने का अधिकार देना, दुनिया के सभी राष्ट्रों को राजनीतिक आजादी और विश्व नागरिकता की बात कही थी। ये सब लोहिया जी के विचार थे जो गांधी जी को उन्होंने कहा था कि किस तरह से नई दुनिया की बुनियाद रखी जा सकती है। गांधी जी जो है ने इसे हरिजन में छापा, उनकी जो पत्रिका थी उसमें इसको छापा, जो नई दुनिया की बुनियाद सोशलिस्ट नेता हमारे राम मनोहर लोहिया ने बताया था गांधी जी को, उनको छापा और समर्थन भी किया। अंग्रेजों के खिलाफ जल्दी लड़ाई छेड़ने को लेकर गांधी जी ने 10 दिन रुकने का के लिए लोहिया को कहा, 10 दिन आप रुक जाइए। 10 दिन बाद 7 अगस्त 1942 को गांधी जी ने 3 घंटे तक भाषण देकर कहा कि हम अपनी आजादी लड़कर प्राप्त करेंगे। वो जान रहे हैं कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किस तरह से हुआ, तो उसमें जो है गांधी जी ने कहा कि हम अपनी आजादी जो है लड़कर प्राप्त करेंगे। इस तरह से अगले दिन जो है 8 अगस्त को, सब जान रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन
का प्रस्ताव बंबई में बहुमत से स्वीकृत किया गया और गांधी जी ने वहीं पर करो या मरो का नारा दिया था। इस तरह से जो है यह मूवमेंट जो भारत छोड़ो आंदोलन के पहले की पृष्ठभूमि को हमने अभी देखा है। अब हम आगे का देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में लोहिया जी, गांधी जी और नेता की क्या स्थिति रही, किस तरह से जो है वो फिर 9 अगस्त 1942 को जब गांधी जी और अन्य कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब लोहिया जी जो है उस समय में भूमिगत होकर के भारत छोड़ो आंदोलन को पूरे देश में फैलाया, मतलब छुप छुप करके। लोहिया जो है अच्युत पटवर्धन, सादिक अली, पुरुषोत्तम टिकट राम दास, मोहन लाल सक्सेना और राम नंदन मिश्रा, सदाशिव महादेव जोशी, सारे गुरु साने गुरु जी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा असफ अली, सुचिता कृपलानी और पूर्णिमा बनर्जी आदि नेताओं का जो है केंद्रीय संचालन मंडल तैयार किया। ये सारे लोग मिलकर के जो है किस तरह से भूमिगत होकर के आंदोलन को चलाएंगे और लोहिया जी की नीति निर्धारण पर कर विचार देने का कार्यभार सौंपा। लोहिया जी लोहिया पर जो है सौंपा गया कि नीति निर्धारण करके किस तरह विचार दिया जाए। भूमिगत रहते हुए जंग जू आगे बढ़ो, क्रांति की तैयारी करो, ये नारा दिया गया। जंग जू आगे बढ़ो, क्रांति की तैयारी करो, आजाद राज्य कैसे बने, जैसे पुस्तिकाएं उन्होंने लिखी। 20 मई 1944 को लोहिया जी को मुंबई से जो है गिरफ्तार कर लिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। गिरफ्तारी के बाद जो है लाहौर किले की एक अंधेरी कोठरी में उसको रखा गया। लाहौर जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, मुंबई से अरेस्ट किया गया तो पाकिस्तान का जो क्षेत्र लाहौर है बगल में है, तो वहां पर उसको रख दिया गया। 14 वर्ष, जहां 14 वर्ष पहले इसी लाहौर की काली कोठली में, जहां 14 वर्ष पहले, यह समय है कब आपका, 1944 यहां से 14 वर्ष पहले, मतलब 1930 जो 23 मार्च को जो फांसी दिया गया था, भगत सिंह को फांसी दिया गया था, वहीं पर इनको रखा गया था 14 वर्ष बाद। पुलिस द्वारा लगातार उन्हें यातनाएं दी गई, 15-15 दिन तक जो है उन्हें सोने नहीं दिया जाता था। ये लोहिया जी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा था, किसी से मिलने नहीं दिया गया, महीने तक ब्रश टूथ या पेस्ट भी नहीं दिया गया, हर समय हथकड़ी बांधे रखी जाती थी। लोहिया के प्रसिद्ध वकील थे जीवन लाल कपूर द्वारा हेबियस कॉर्पस की दरखास्त लगाने पर उन्हें तथा जयप्रकाश नारायण को स्टेट प्रिजनर घोषित कर दिया गया, मतलब केंद्रीय राज्य की सुरक्षा उसको मिलेगी ऐसे कैदी को, इस तरह से स्टेट प्रिजनर। मुकदमे के चलते सरकार को लोहिया को पढ़ने लिखने की सुविधा देनी पड़ी और फिर जो है वहां पर पहला पत्र लोहिया ने ब्रिटिश लेबर पार्टी को जो है के अध्यक्ष को प्रोफेसर हेरोल्ड जे लास्की को लिखा, जिसमें उन्होंने पूरी स्थिति का विस्तृत ब्यौरा दिया, क्योंकि उस समय में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। 1945 में लोहिया को लाहौर से फिर जो है कहां आगरा भेज दिया गया, लाहौर पाकिस्तान में है, वहां से आगरा भेज दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं को छोड़ दिया गया और केवल लोहिया और जयप्रकाश ही उस समय में जेल में थे। इसी बीच अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच समझौते की बातचीत शुरू हुई। अंग्रेज और कांग्रेस जो उस समय में स्वतंत्रता आंदोलन को लीड कर रही थी, उसके बीच में जो है बातचीत समझौते शुरू हुए। इंग्लैंड में लेबर पार्टी सरकार की सरकार बनी और बनी सरकार का प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर लोहिया से आगरा जेल में मिलने गया। जो इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी उसके प्रतिनिधिमंडल आकर के लोहिया से आगरा के जेल में मिले और इस बीच लोहिया के पिता जो है हीरालाल जी की मृत्यु हो गई, किंतु लोहिया जी ने सरकार की कृपा पर पेरोल पर छूटने से इनकार कर दिया। पिता की मृत्यु में भी वो शामिल नहीं हो पाए। इस तरह से जो है लोहिया जी का जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय का जो है काज है वो आप देखने आपने देखा। अब आगे हम लोग देखेंगे गोवा मुक्ति आंदोलन क्या था और उसमें लोहिया जी की क्या भूमिका थी। तो गोवा जो भारत का एक केंद्र राज्य है, आप देखिए भारत का एक राज्य गोवा, 1946 में लोहिया जी जो आगरा जेल से जब रिहा हुए तो 15 जून को लोहिया ने गोवा के पंजिम में गोवा मुक्ति आंदोलन की पहली सभा ली और 18 जून को गोवा मुक्ति आंदोलन की शुरुआत के दिन ही उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया। कुछ दिन के बाद ही अरेस्ट कर दिया। 14 अगस्त 1946 को फिर हरिजन में गांधी जी ने लिखा कि लोहिया को बधाई दी जानी चाहिए। 30 अगस्त 1946 को नवाखाली में हिंदू और मुसलमान के बीच अविश्वास को दूर करने के लिए गांधी जी के साथ विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया। नवाखाली वेस्ट बंगाल में है। पूरे साल नवाखाली कलकत्ता, बिहार, दिल्ली सभी जगह गांधी लोहिया गांधी के साथ
मिलकर सांप्रदायिकता की आग को बुझाने में कोशिश करते रहे। जहां जहां भी हिंदू मुस्लिम या जो सांप्रदायिकता सांप्रदायिक उस दंगे हो रहे थे उसको रोकने का के काम में लोहिया जी जो है गांधी जी के साथ रहे। कहां कहां, पूरे कलकत्ता, बिहार, दिल्ली, जहां भी हो रहे थे। 7 अगस्त 1947 से लगातार हिंसा रोकने का प्रयास चलता रहा। 14 अगस्त की रात को 1947, आजादी के एक दिन पहले, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारों के साथ लोहिया ने सभा की और 31 अगस्त को वातावरण फिर बिगड़ गया। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तब लोहिया ने दंगाइयों के साथ हथियार दंगाइयों के हथियार को इकट्ठे कराए और लोहिया के प्रयास से शांति समिति की स्थापना हुई। 4 सितंबर को गांधी जी ने अनशन तोड़ा। गांधी जी जो है इस सांप्रदायिक दंगा के खिलाफ थे और लोहिया जी ने इनका भरपूर सहयोग किया। 19 सितंबर को बेलगाम में लोहिया को फिर से जो है गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, और 26, 27, 28 फरवरी 1947 को सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में तटस्थ रहने का जो है इन्होंने निर्णय लिया। तो ये जो है इस तरह से गोवा मुक्ति आंदोलन उसके बाद की पृष्ठभूमि है। और अब हम लोग आ रहे हैं 1947। अब देख लीजिए, हमने कहा था कि 1910 में इनका जन्म हुआ है आजादी के, और 37 साल के बाद, इनके जन्म के 37 साल के बाद भारत आजाद हो रहा है। और 37 साल पहले, मतलब 10 वर्ष से लेकर के, 10 वर्ष के आयु से लेकर के 37 वर्ष की आयु तक, मतलब 27 वर्ष इसका संघर्ष देखिए इनका। पढ़ाई, फिर जो है जाकर के विदेश में पढ़ाई, फिर आंदोलन में हिस्सा लेना, भारत आना, हिस्सा लेना भारत छोड़ो आंदोलन में, कांग्रेस के अधिवेशनों में, गोवा मुक्ति आंदोलन में, बिल्कुल लंबा इतिहास ये स्ट्रगल है। और इस स्ट्रगल के दौरान काफी कुछ इनको समझने का मौका मिला, जेल गए, यातनाएं झेली, बहुत सारा बात। अब जाकर के भारत जो है फिर 1947 में आजाद हो रहा है। जब भारत आजाद हो रहा है तो इसके बाद क्या हुआ देख लीजिए। तो 1947 में, जब जनवरी 1947 में लोहिया ने जो है नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित करने और राणा शाही के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ करने की पहल की। नेपाल में चूंकि राजतंत्र था तो 1947 से ही देख लीजिए कि लोहिया जी प्रयासरत थे कि नेपाल से इस राणा शाही को खत्म कर दिया जाए और एक सत्याग्रह उसके साथ शुरू किया जाए और वहां पर एक जो है नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना हो। 25 जनवरी 1948 को बम्बई हड़ताल को लेकर लोहिया जी ने गांधी जी से हड़ताल का समर्थन मांगा। 28 जनवरी को गांधी जी ने कहा कि कल आना, कल पेट भर की बात होगी। 30 जनवरी को ये समय चल रहा है, आप देख लीजिए कि 1948 का। अब गांधी जी के की जो हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, उसका पल आ रहा है। तो उसके पहले जो है, चूंकि 30 जनवरी को उनकी हत्या हुई थी, 25 जनवरी को वो जो है लोहिया जी गांधी जी से मिलना चाह रहे थे 28 जनवरी को। तो 28 जनवरी को उन्हें कहा कि कल आना, और 30 जनवरी को जब को लोहिया जब बिरला भवन के लिए निकले, 30 जनवरी 1948 भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन कह सकते हैं। एक राष्ट्रपिता क्या, तो फिर 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या की खबर सुनी, मिली लोहिया जी को, और फिर जो है फिर उन्होंने मार्च 1948 में नासिक सम्मेलन में जो है सोशलिस्ट दल में ने कांग्रेस से अलग होने का निश्चय, जो कांग्रेस में जो सोशलिस्ट दल थे वो कांग्रेस से अलग हो गए जो है 1948 मार्च में। 48 में ही, 30 जनवरी 48 में गांधी जी की हत्या हुई और मार्च 48 में जो है सोशलिस्ट जो खेमा था कांग्रेस से, वो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गया 1948 में। और लोहिया की प्रेरणा से जो है निर्णय लिया गया कि रियासतों की समाप्ति के लिए समाप्ति हो, और 1950 रियासतें थी वो उसको समाजवादी उस आंदोलन को चला रहे थे, रियासतों को की समाप्ति का आंदोलन चला रहे थे। 2 जनवरी 1948 को रीवा में, हमें रीवा में जो है वो नारा दिया गया 2 जनवरी 1948 को, हमें चुनाव चाहिए, विभाजन रद्द करो। मतलब जो अलग अलग रियासतें थी, विभाजित थी, तो उनको रद्द कर करके जो है चुनाव होना चाहिए, इस तरह का नारा दिया गया। और जिसमें पुलिस ने गोली चलाई और 4 आंदोलनकार शहीद हुए। 1949 में जो है सोशलिस्ट पार्टी द्वारा लोहिया के नेतृत्व में नेपाली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ने आमरण अनशन कर दिया और नेपाल में राणा शाही की अत्याचार के खिलाफ सभा हुई।
नेपाली दूतावास की ओर जब जुलूस बढ़ा तब लाठीचार्ज किया गया और लोहिया को गिरफ्तार कर लिया गया। 20 जून को देश भर में लोहिया का दिवस मनाया गया। लोहिया की गिरफ्तारी के विरोध में जो है 20 जून को देश भर में जो है लोहिया दिवस मनाया गया। मुकदमे में 2 महीने की कैद हुई और 3 जुलाई को वह जो है फिर 1948 में जो है वो रिहा हुए जाकर के जेल से। इसके बाद 1949 में पटना में सोशलिस्ट पार्टी का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। पटना, यही पटना, आप बिहार के हैं तो पटना, देखिए बिहार बहुत इंपॉर्टेंट रहा है सोशलिस्ट मूवमेंट का। लोहिया जी चूंकि उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, तो यहां पर जो है राष्ट्रीय अधिवेशन, दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन जो है सोशलिस्ट का यहाँ हुआ। पहला हमने कहा था कि अंजुमन इस्लामिया हॉल में जो सोशलिस्टों की सभा हुई थी बिहार पटना में हुई थी, अब दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन भी यही हो रहा है। और इसी सम्मेलन में लोहिया ने चौखंबा राज्य की कल्पना प्रस्तुत की। चौखंबा राज्य पटना में किसान हिंद किसान पंचायत की स्थापना भी हुई, इसका अध्यक्ष लोहिया को चुना गया। हिंद किसान पंचायत 25 नवंबर 1949 को लखनऊ में 1 लाख किसानों ने विशाल सभा का प्रदर्शन किया और 26 फरवरी 1950 को रीवा में, रीवा मध्य प्रदेश, हिंद किसान पंचायत का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। दिल्ली में 3 जून 1951 को जनवाणी दिवस पर प्रदर्शन किया गया और उसमें नारा दिया गया कि रोजी रोटी कपड़ा दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो। क्या नारा दिया गया? रोजी रोटी कपड़ा दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो, ये प्रदर्शनकारियों का मुख्य नारा था। 14 जून 1951 को सागर स्टेशन में लोहिया जी को गिरफ्तार कर बेंगलोर के हवालात में कैद कर दिया गया कर्नाटक। 3 जुलाई को लोहिया जी फिर छूटे। देखिए बार बार जेल जाना पड़ रहा है, संघर्ष है। अब देखिए जो जेल जा रहे हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए, भागीदारी के लिए, वो योद्धा हैं, वो क्रांतिवीर हैं, आप उनको इस रूप में समझिए। देखिए बिना जेल जाए संघर्ष किए किसी को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं। फिर जाकर के 24 जुलाई को वे विश्व सरकार के समर्थकों के सम्मेलन में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम गए और 17 साल बाद वे पुनः बर्लिन पहुंचे। चूंकि बर्लिन से पढ़ के आए हैं तो वो 17 साल बाद फिर से बर्लिन गए और लोहिया वहां इंग्लैंड, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया के कई देशों के से आए लोग, इसराइल से होकर के फिर जो है घूमते हुए वहां से कई देशों से में गए और इसराइल से होते हुए 15 नवंबर को वे स्वदेश लौटे। चूंकि विदेश से पढ़ के आए थे तो विदेश के बहुत सारे दुनिया के देशों में के बहुत सारे फ्रेंड से उनका संपर्क था, तो इस तरह से देखिए ये विश्व पटल पर जाने के लिए आपको बड़ी लंबी लड़ाई और बहुत ये चीज आपको झेलना पड़ेगा। आगे चल करके देखिए कि फिर क्या हो रहा है। 1951 में लोहिया को 3 जुलाई को समाजवादियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बुलाया गया। जर्मनी सम्मेलन में जो है जर्मनी, यूगोस्लाविया, अमेरिका, हवाई, जापान, हांगकांग, थाई देश, सिंगापुर, मलाया, इंडोनेशिया, श्रीलंका भी गए। लोहिया विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन के से प्रिंसटन में जाकर के मिले। आइंस्टीन से भी उस समय में लोहिया जी जाके मिले। आइंस्टीन ने कहा किसी मनुष्य से मिलना कितना अच्छा होता है, आदमी कितना अकेला पड़ जाता है, ये उस समय में आइंस्टीन ने उनको कहा। लोहिया ने अमेरिका में सैकड़ों स्थानों पर भाषण दिया। इसके उस समय में उन्होंने एशिया की समस्त सोशलिस्ट पार्टी, चूंकि सोशलिस्ट पार्टी मूवमेंट ही चला रहे थे, सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, ये समझिए। समाजवाद मतलब इसमें कि जो संसाधन होते हैं, संसाधन, संसाधन पर मूलतः जो है संसाधन पर राज्य का नियंत्रण होता है और राज्य जो है नागरिकों के बीच जो है वह उसका वितरण करता है, वितरण जो है वह करता है न्याय के साथ, वितरण करता है किसके साथ, न्याय के साथ, मतलब जिसकी जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से उसको वितरित किया जाएगा। क्या चीज? संसाधन। और संसाधन पर किसका नियंत्रण होगा? राज्य का, मतलब वो जो है असमानता समाज में ना हो, ऐसे समाज, ऐसे शासन व्यवस्था में को समाजवाद कहा जाता है, यही सोशलिस्ट है। तो ये सोशलिस्ट आपने देखा कि इस तरह से जो है वहां पर सोशलिस्ट का संगठन निर्मित करने का विचार दिया कि आप जो एशिया की समस्त सोशलिस्ट पार्टियों का एक संगठन बनाया जाए। और 25 मार्च से 29 मार्च 1952 एशियाई सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, उसी के पहल पर एशियाई सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन इसमें लोहिया शामिल नहीं हो सके। जयप्रकाश नारायण जो है उस समय में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में रंगून गए। तो इस तरह से जो है 1952 तक जो है इनका रहा मूवमेंट। 1952 मई में पंचमढ़ी सोशलिस्ट पार्टी का जो सम्मेलन हुआ
आम चुनाव में हार के बाद लोहिया ने चुनाव की पराजय की सब परीक्षा के बदले ठोस विचारों की ओर पार्टी को ले जाने का विचार दिया। मतलब ये नहीं विचार दिया कि चुनाव के बाद अब चुनाव की परीक्षा की सब परीक्षा मतलब पोस्टमार्टम करते हैं कि चुनाव क्यों हारे, इससे अच्छा है कि ठोस विचारों की ओर आप चलिए कि आपके विचार क्या क्या मौजूद है। मतलब लोग जो है 6 महीना साल भर जो है इसी बात पर चिंतन कर रहा है चुनाव क्यों हारे, वो उस चिंतन से बाहर निकल के लोहिया जी ने कहा कि आप ठोस रणनीति बनाइए, उस पर विचार कीजिए। गुजरात पार्टी सम्मेलन में इतिहास चक्र की नई व्याख्या लोहिया द्वारा प्रस्तुत की गई 25 से 24 से 25 सितंबर 1942 को। सोशलिस्ट पार्टी, चूंकि दो पार्टी हो गई ना, एक कांग्रेस एक सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी की हार हो रही है तो उस पर लोहिया जी का अपना मंतव्य आ रहा है। सोशलिस्ट पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक में किसान मजदूर प्रजा पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का विलय, दो पार्टी उस समय में एक किसान मजदूर प्रजा पार्टी था और सोशलिस्ट पार्टी उसका विलय करने का निर्णय हुआ। और इस तरह से जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कौन सी पार्टी बनी, किसान मजदूर सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी दोनों को मिला करके प्रजा सोशलिस्ट, प्रजा यहां से ले लिया सोशलिस्ट यहां से ले लिया, पार्टी तो दोनों में है ही, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। और इस तरह से 29 से 30 दिसंबर 1953 में जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन सम्मेलन जो है इलाहाबाद में हुआ। वहां लोहिया ने इलाहाबाद 33 क्या प्रस्तुत किया, इलाहाबाद 33 मतलब विचार कि आगे हमको रणनीति कहते कि कितना सिस्टमैटिक ढंग से सारा चीज हो रहा है। आप संगठन की रूपरेखा भी इसी तरह से बनती है, किसी बड़े संगठन को राष्ट्रव्यापी बनाना है किसी, तो उसको आपको इसी तरह से बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने विचारों को जो है लिपिबद्ध करना पड़ेगा तब जाकर, और उसको जमीन पर ले जाने के लिए पूरी योजना बनानी पड़ेगी। ये आप देखिए यहाँ लोहिया जी से सीख सकते हैं कि उन्होंने इलाहाबाद 33 प्रस्तुत किया। लोहिया को उनके मना करने के बावजूद पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया, क्योंकि इनमें संगठन की क्षमता थी दूरदर्शिता थी, तो इसको इनको जो है इसका कांग्रेस प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो है क्या बनाया गया, इनको जो है महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री इनको जो बनाया गया, राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। 13 से 14 मई 1954 को उत्तर प्रदेश में जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा नहर रेट की बढ़ोतरी के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया गया। 4 जुलाई 1954 को फरुखाबाद में वाणी स्वतंत्रता के संघर्ष को लेकर भाषण दिए जाने के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यह आजादी के बाद का समय है 1954। आप देखेंगे 1954 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है और इसके बाद क्या हो रहा है। तो आप यहां यदि देखेंगे कि मुख्यमंत्री यदि आप 1954 में देखेंगे कि देखिए शुरू में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोविंद बल्लभ पंत पहले उत्तर प्रदेश, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 1950 से 52 तक, फिर जाकर के संपूर्ण आनंद रहे हैं 54 से 57, इसके बाद फिर 57 से 60, फिर इसी समय की बात है, और ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो और यहाँ पर सोशलिस्ट विचारधारा उसके अगेंस्ट काम कर रही है, या वह मतलब जमाने जड़ जमाने की कोशिश कर रही है, तो निश्चित तौर पर उसके विरोध जो है वो आंदोलन होगा। और वहां पर जो है उनको जो है क्या कर दिया गया, उनको जो है ये कर लिया गया, भाषण दिए जाने के खिलाफ में उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो अरेस्ट कर लिया गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिर नागपुर में 26 से 28 नवंबर 1954 के बीच में केरल गोलीकांड पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया। लोहिया केरल मंत्रिमंडल से इस्तीफा मांग चुके थे। 31 दिसंबर 1955 तथा 1 जनवरी 1956 को सोशलिस्ट पार्टी की जो है वहां पर स्थापना हुई लखनऊ में। अब यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बाद सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो रही है 1956 में, लखनऊ में लोहिया के नेतृत्व में 1 लाख किसानों का प्रदर्शन हुआ। 1956 में लोहिया ने मैनकाइंड नाम की एक पत्रिका शुरू की। सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम वार्षिक अधिवेशन भारत के मध्य बिंदु मध्य प्रदेश में के ग्राम सिरोहा में 28, 29, 30 3 दिन का जो है वह 1956 में हुआ। और 2 नवंबर 1927 को लोहिया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 के तहत डाकिये से कुछ कहने के कारण कहने पर अकारण गिरफ्तार कर लिया गया। और 12 नवंबर 1950 को लोहिया पूर्वोत्तर के दौरे पर निकले, जहां उन्हें दौरा करने से रोक दिया गया। तो ये उनका संघर्ष दिखा रहा है। अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं, 1 साल बाद उसी स्थान पर जो है लोहिया ने पूर्वोत्तर में फिर से, जहां पूर्वोत्तर से रोक दिया गया था, पूर्वोत्तर में प्रवेश किया, जहां उन्हें पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है
जो आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है पूरा का पूरा, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, क्या कहते हैं मणिपुर, ये नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, ये सब नॉर्थ ईस्ट है, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। वहां पर 17 अप्रैल 1960 को कानपुर के सर्किट हाउस में अनाधिकृत प्रवेश के कारण अपराध बताकर उन्हें पुनः गिरफ्तार किया। कितनी बार जेल जा रहे हैं, 10 बार जेल गए। और 1961 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के कारण लोहिया जी की सभा पर मद्रास में पत्थर चलाया गया, एक आंदोलन चलाए थे उन्होंने, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, उस पर हम लोग बात करेंगे। मद्रास में पत्थर चलाया गया। 1961 में लोहिया एथेंस, रोम और काहिरा गए। 1962 में उपचुनाव हुआ और लोहिया नेहरू के विरुद्ध फूलपुर में चुनाव मैदान में उतरे। फूलपुर, नेहरू कांग्रेस से खड़े हुए थे, लोहिया जी फूलपुर से, फूलपुर उत्तर प्रदेश में, वो सोशलिस्ट पार्टी से खड़े हुए वो। और 1962 में कलकत्ता में सभा कर लोहिया ने तिब्बत के सवाल को उठाया। और 1963 में फर्रुखाबाद लोकसभा से वो उपचुनाव में लोहिया को जो पहली जीत मिली, फर्रुखाबाद से लोहिया जी पहली बार उपचुनाव जो हुआ था एमपी का, उसमें वो जीते। और लोकसभा में लोहिया की 3 आना बनाम 15 आना का एक बहस काफी चर्चित है। लोहिया ने लोकसभा में जो है एक बहस प्रारंभ किया था, वह बहस क्या था, 3 आना बनाम 15 आना, 3 आना बनाम 15 आना, ये उन्होंने बहस चर्चित, जिनमें जिनमें उन्होंने 18 करोड़, कहा कि 18 करोड़ आबादी 4 आने पर जिंदगी काटने के लिए विवश है। 18 करोड़ की आबादी जो है 4 आने पर, आज प्रधानमंत्री जी 25,000 रुपये जो है प्रतिदिन खर्च करते हैं, तो ये उस तरह का ये उन्होंने आरोप लगाया था। 9 अगस्त 1965 को लोहिया को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत फिर से जो 1965 में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये सोशलिस्ट विचारधारा के थे और उस समय में कांग्रेस की विचारधारा के आधार पर कांग्रेस की सरकार चल रही थी। तो निश्चित तौर पर जो विरोधी है, आप समझ रहे हैं कि आप जब सामाजिक न्याय, भागीदारी की लड़ाई लड़ेंगे उस सरकार के विरुद्ध की जो उस चीज को पहुंचाने में के लिए इच्छुक नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बार संघर्ष करना पड़ेगा। और ये समाजवादी नेताओं का संघर्ष का पहला है, पहले स्तंभ के तौर पर राम मनोहर लोहिया है, ये मतलब पग पर स्ट्रगल किए हैं और उनको कई बार जेल जाना पड़ा है। अब अंग्रेजी हटाओ आंदोलन क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो 1961 में जो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन क्या था। लोहिया जी जानते थे कि जो विधायिका है, विधायिका मतलब लोकसभा, विधानसभा, राज्यों की विधानसभा, विधानमंडल, इसको विधायिका बोलते हैं। राज कार्यपालिका मतलब जितने मंत्री और जितने अधिकारी होते हैं ये कार्यपालिका होते हैं। न्यायपालिका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट, उच्चतम न्यायालय, इसको कार्यपालिका कहा जाता है। तो यहीं पर सारी चीजें होती है, विधायिका में कानून बनते हैं और कार्यपालिका जो उस कानून को लागू करता है उसमें जो समस्याएं उत्पन्न होती है, विवाद उत्पन्न होते हैं, उसका निपटारा न्यायपालिका करता है। तो ये जन जनता से जुड़े हुए, आम जन से जुड़े हुए जो चीजें हैं उसका यहीं पर निपटान होता है, उसके जीवन की जो सारी चीजें यहीं तय होती है। विधायक का कानून बनाता है, उस कानून को लागू करने की काम, नीतियों को लागू करने का काम करता है, और उसमें जो विरोधाभास या जो समस्याएं जमीनी स्तर पर उत्पन्न होती है, उससे जो विवाद एक व्यक्ति के सरकार के साथ और व्यक्ति का व्यक्ति के साथ होता है, उससे जो केस मुकदमे होते हैं उसका निपटान जो है न्यायपालिका में होता है। और इसमें क्या है, अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है, तो अंग्रेजी का प्रयोग आम जनता की प्रजातंत्र में 100% भागीदारी के रास्ते में रो रहा है, ये लोहिया जी मानते थे। अभी भी अब जब कोर्ट में सारा प्रोसीडिंग हो रहा है अंग्रेजी में, सारी चीजें अंग्रेजी में हो रही है, तो भारत में ऐसे भी लिटरेसी रेट कितना है और उसमें अंग्रेजी जानने वाले लोग कितने हैं, तो निश्चित तौर पर हम क्या समझेंगे जो कोर्ट का ऑर्डर है कौन पढ़ रहा है, अंग्रेजी वाले चीजों को अभी भी कितने लोग पढ़ रहे हैं। और जब कहीं बहस भी आप सुनेंगे, यदि हिंदी में हो रहा है तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, अंग्रेजी में हो रहा है तो क्या समझ में आएगा आम लोगों को, जो सभी लोग बहुत इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे तो नहीं है, और अभी अभी तो थोड़े बहुत हो गए हैं, लेकिन उस समय में 1950, 60, 70 में, 60 में के दशक में तो स्थिति बहुत खराब थी, चंद लोग ही पढ़े लिखे थे उसमें अंग्रेजी में। तो इस तरह से लोहिया जी बोलते हैं कि ये 100% भागीदारी जो है प्रजातंत्र में, उसके रास्ते में यह रोड़ा है, क्या चीज, अंग्रेजी का प्रयोग कहां पर, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में। अभी बिहार विधानसभा में यदि अंग्रेजी में सारे विधायक बोलने लगे और विधानसभा अध्यक्ष भी बोलने लगे तो क्या समझ में आएगा। अभी तो हम लोग लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, पहले तो ये भी नहीं होता था, तो उसके अंदर में अंग्रेजी में यदि चर्चा हो और यदि कोर्ट में अंग्रेजी में चर्चा हो रही है, सारे ऑफिसर्स जब अंग्रेजी में सारा चीज निकाले, तो आम लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए धीरे 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 जो चीजें धीरे धीरे बदल रही है। और उन्होंने कहा कि इसे सामंती भाषा बताते हुए कहा कि इसके प्रयोग के खतरों से बारंबार आगाह किया और कहा कि बताया कि यह मजदूरों, किसानों और शारीरिक श्रम से जुड़े जो आम लोग है उसकी भाषा नहीं है। निश्चित तौर पर जो मजदूर है उसकी भाषा अंग्रेजी नहीं है, किसान की भाषा अंग्रेजी नहीं है, जो फिजिकल लेबर हैं, लेबर काम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, उसके लिए ये जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी ये भाषा है।
यदि सरकारी और सार्वजनिक काम ऐसी भाषा में चलाए जाएं, उन्होंने कहा यदि सरकारी और सार्वजनिक काम ये ऐसी भाषा में चलाए जाएं जिसे देश के करोड़ों आदमी नहीं समझ सके, तो यह केवल एक प्रकार का जादू टोना है। मतलब ये लोहिया जी का कथन था। दुख की बात है कि लोहिया के अंग्रेजी हटाओ आंदोलन जो 1957 में शुरू किया था, उनको लोगों ने दूसरी तरह से समझा। लोगों ने ये समझा कि यह हिंदी के वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश के तौर पर देखा गया, जबकि लोहिया जी ने बार बार स्पष्ट किया कि हिंदी अंग्रेजी हटाओ का अर्थ ये नहीं है हिंदी लाओ। वो नहीं कहते थे कि अंग्रेजी हटा रहे हैं मतलब हिंदी लाओ, कदापि नहीं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति और उसके प्रयोग की खुलकर उन्होंने वकालत की, और उसके अनुसार अंग्रेजी हटाओ को का अर्थ हुआ है मातृभाषा लाओ, अंग्रेजी हटाओ। लेकिन जहां जो जैसे कि अभी अंग्रेजी हट रहा है, तो आप तमिलनाडु में जो तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, उस भाषा का प्रयोग हो रहा है। जो क्षेत्र जिस तरह का होगा उस तरह का उस भाषा का प्रयोग होगा, लेकिन सभी जगह अंग्रेजी तो कम से कम नहीं हटेगा। तो जो जिस जगह के जो लोग रहेंगे उस क्षेत्रीय भाषा में यदि कामकाज होगा तो वहां के लोगों को समझ में आएगा। तो ये लोहिया जी का कहना था कि हम अंग्रेजी हटाने का वकालत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कर रहे कि हिंदी ले आइए, आप जहां की जो क्षेत्रीय भाषा है उस हिसाब से कामकाज को आगे बढ़ाइए, ये उनका कहने का था। लेकिन लोगों ने ये समझा कि उस समय में कि ये अंग्रेजी हटाने की बात करके ये हिंदी को लाने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से जो है उनका विरोध लोगों ने जो है किया। ठीक है, तो आगे चल करके फिर क्या हुआ कि यह दुख की बात है कि लोहिया के अंग्रेजी हटाओ आंदोलन को इसलिए से देखा कि जो है वो हिंदी वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लोगों ने माना। भारतीय राजनीति के बेबाक और बिंदास चेहरा रहे राम मनोहर लोहिया 50 के दशक में ही भांप लिया था यह बात। उन्होंने लोकसभा में बल देकर अपनी बात रखते हुए कहा था कि अंग्रेजी को खत्म कर दिया जाए। अभी भी देखिए समस्या हो रही है, जब बहुत सारे कामकाज अभी चिट्ठियां तो हिंदी में निकलना और ऑफिशियल ऑर्डर तो हिंदी में निकलना शुरू हो गया है, लेकिन जब अंग्रेजी में तो आम लोग तो उससे कुछ मतलब ही नहीं है उसको। वो फिर दूसरे लोग को रखेंगे, दूसरे लोग जैसा समझाएंगे वैसा समझेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी का सार्वजनिक प्रयोग बंद हो, ऐसा लोहिया जी मानते थे। लोकसभा के बिना, लोक भाषा के बिना लोक राज्य संभव नहीं है। वो कहते थे कि जब तक लोक भाषा नहीं होगी तब तक लोक राज्य मतलब लोगों का, आम लोगों का राज्य जो है स्थापित नहीं होगा, जब तक कि क्या नहीं होगी, लोक भाषा नहीं होगी। लोक भाषा जब तक नहीं होगी तब तक आम लोगों का जो है राज्य संभव नहीं होगा। कुछ भी हो अंग्रेजी हटनी ही चाहिए, वो लोहिया जी का मानना था। उसकी जगह कौन सी भाषा आती है यह प्रश्न नहीं है। यह नहीं है कि हम अंग्रेजी हटा रहे थे हिंदी ला रहे हैं, उसके जगह पर दूसरा जो भी भाषा है। साउथ में आप अंग्रेजी हट गया तो उससे थोड़ी हिंदी चल रहा है, अंग्रेजी वहां पर कामकाज की भाषा नहीं है तो हिंदी नहीं है, वहां की स्थानीय भाषा है। उसी तरह से यहाँ पर स्थानीय भाषा यदि हिंदी है तो हिंदी है जिस क्षेत्र में दूसरी भाषा है, मगही है या भोजपुरी है या जो भी भाषा है, वो संथाली भाषा है या डोगरी भाषा है, जो भी राष्ट्र जो भारत के संविधान में जो 22 भाषा है उसमें से जहां जो कामकाज की भाषा है वो रहेगी, अंग्रेजी नहीं रहेगी, ऐसा लोहिया जी मानते थे। हिंदी और किसी भाषा के साथ आपके मन में जो आए सो करें, हिंदी या किसी भाषा के साथ, लेकिन अंग्रेजी को हटाना ही चाहिए, ऐसा लोहिया जी मानते थे। और वह भी जल्दी, उनका कहना था कि जल्दी हटाइए, अंग्रेज गए तो अंग्रेजी भी चली जानी चाहिए। ये अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के बारे में लोहिया जी का अपना मंतव्य है। इसके बाद फिर जो है समय के साथ जो है, अब उनकी उम्र 57 साल क्या कहते हो गई, 57 साल की उम्र में 1910 में उनका जन्म हुआ था, और 1967 मात्र 57 साल की आयु में। अभी बहुत सारे नेता 75 साल, इसे राष्ट्र नायक लालू प्रसाद जी 75 में जन्मदिन उनका है 11 जून को, तो वो 75 साल को पूरा करेंगे। ये लोहिया जी के राजनीतिक सिद्धांत और दर्शन को मानने वाले नेताओं में से एक हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इनके दर्शन को मानते हैं, तो ये लोग अभी इनके उम्र से काफी आगे चल रहे हैं। और जबकि ये इतने सारे इतनी ही उम्र में इन्होंने बहुत सारे कार्यों को जो है अपने आंदोलन के माध्यम से दिशा निर्देश देने का काम इन्होंने किया। फिर आगे चल करके देखिए इनका देहावसान हुआ कब हुआ, तो ये हुआ कि 30 सितंबर को लोहिया जी 1967 को लोहिया जी जो है वो नई दिल्ली के विलिंगटन अस्पताल में, उनका अस्पताल लोहिया जी उस अब इनको लोहिया अस्पताल कहा जाता है, उसका ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था, और 12 अक्टूबर 1967 को उनका 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो उनका जन्म कब हुआ, 23 मार्च 1910 और 12 अक्टूबर 1967, मतलब 57 वर्ष की आयु में लोहिया जी जो है चले गए हम लोगों के बीच से। अब इसके बाद जो हमने एक यात्रा देखी किस तरह से 1910 से 1967 तक वो किस तरह से यात्रा रही, अब हम लोग बात समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से उनको जो है गैर कांग्रेसवाद के शिल्पी के रूप में देखा जाता है। क्योंकि कांग्रेस जो है जिसकी स्थापना आप सब जानते हैं कि
कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, और ये इनकी स्थापना 1934 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, और वो ये कांग्रेसवाद के खिलाफ एक नई पार्टी और एक नया एजेंडा, ये जो सारा चीज को लेकर के आगे बढ़े थे समाजवादी विचारधारा को लेकर के, तो इसको गैर कांग्रेसवाद के जो है शिल्पी के रूप में देखा जाता है। उससे अलग जगाने वाले महास्वतंत्र संग्रामी और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि दुनिया भर के सोशलिस्ट एकजुट होकर के मजबूत मंच बनाए। चाहते थे कि जितने समाजवादी विचारधारा, जितने समाजवाद की बात को हमने समझाया कि पूंजीवाद और समाजवाद, पूंजीवाद में होता है कि संसाधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है और वह उसमें असमान वितरण होता है, चंद लोगों के पास अधिकांश संसाधन रहते हैं और इस तरह से असमानता बहुत ज्यादा रहती है, गरीबी का स्तर भी बहुत ज्यादा रहता है। और सो समाजवादी विचारधारा में क्या है, संसाधन पर राज का नियंत्रण होता है, राज्य अपनी योजनाओं के हिसाब से, लोगों की आवश्यकताओं के हिसाब से संसाधनों को धीरे 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 लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है, और उसमें समानता धीरे धीरे जो है आने आना प्रारंभ होता है, हर तबके निचले तबके के लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। समय लगता है लेकिन यह काम जो है सर्वांगीण जो है सब भागीदारी के लिए अनिवार्य होता है। तो इस तरह से जो है यह इसका मानना था कि जितने भी दुनिया भर के सोशलिस्ट हैं वो एकजुट होकर के मंच बनाइए। लोहिया राय भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसवाद के शिल्पी हैं। वे अथक प्रयासों का फल था कि 1967 में कई राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई। हम अभी देखेंगे कि इस तरह से जो है 1967 आते आते, मतलब 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, और 1967 मतलब 20 साल बाद ही कांग्रेस की जहां, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था दोस्तों, तो भारत जब आजाद हुआ था उस समय में, भारत जब आजाद हुआ था उस समय में 14 राज्य थे, और 14 राज्य में सभी राज्यों में कांग्रेस की जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस की ही सरकार बनी थी। और उसमें एक खास बात था कि किसी भी राज्य में ओबीसी एससी एसटी का कोई भी व्यक्ति सीएम मुख्यमंत्री नहीं बना था। ये बाद के समय में संघर्ष के बाद जो अलग अलग राज्यों में इन वर्गों की, जबकि इनकी आबादी जो है उस समय में लगभग जो है 85% के आसपास, 90% के आसपास थी, लेकिन इन वर्गों के कोई भी नेता जो है किसी भी राज्य में, 14 राज्य में से किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे। कांग्रेस में उस समय में जो है वो जो वर्चस्व था सामंती और जो सवर्ण जो समाज है उनका वर्चस्व था, तो उसी हिसाब से कांग्रेस द्वारा जो है मुख्यमंत्री जो नियुक्त किए गए थे। और बाद के समय में संघर्ष के बाद जो है अन्य राज्यों में जो है गैर कांग्रेसवाद वाली सरकार जब बनी, तो उसमें जो है अन्य वर्गों के लोगों को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। तो आगे चल करके ये देखेंगे कि उनसे, हाँ इसके बाद फल था कि ये हुआ, इसके बाद जैसे तैसे सत्ता पर काबिज हो पाई कांग्रेस केंद्र में जो है 1967 में आई, और हालांकि 1967 में ही जो है लोहिया जी चल बसे, लेकिन गैर कांग्रेसवाद की जो विचारधारा चलाई गई उसी वजह से 1977 में जाकर के, 67 में जो है कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो है केंद्र में बनी। और लोहिया जी मानते थे कि अधिक समय तक सत्ता में रहकर कांग्रेस अधिनायकवादी हो गई थी और उनके खिलाफ खिलाफ संघर्ष, मतलब वो चाहते मान रहे थे कि 1947 से ही जो है 1977 लगभग 30 वर्षों तक कांग्रेस का आधिपत्य था, तो वो जो है अधिनायकवाद डिक्टेटरशिप की तरफ हो गई थी, इसलिए उसके खिलाफ संघर्ष अनिवार्य था। 1977 में गैर कांग्रेसीवाद की सरकार बनी। अब यदि आप इसको देखना चाहेंगे तो इसको देखना चाहेंगे कि यदि आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं तो आप देखिए कि यहाँ क्या कई जो प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया में हुए, तो आप यहाँ देख लीजिए इस तरह से, आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है, जब यहाँ देखिए जो नेहरू जी आफ्टर इंडिपेंडेंट जो पीएम बने, तो वो नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद गुलजारी लाल नंदा 64 से 13 दिन के लिए हुए, इसके बाद फिर जाकर के इसके बाद हुए लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री हुए, लाल बहादुर शास्त्री और 64 से 66, और ये भी कांग्रेस के थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसके बाद गुलजारी लाल नंदा फिर बने 66 में भी 13 दिन के लिए ही, दो बार 13 13 दिन के लिए। इसके बाद फिर इंदिरा गांधी बनी, इंदिरा गांधी 66 में आई और 77 तक रही, यही देखिए 77 तक रही इंदिरा गांधी। तो इसके बाद 3 बार ये उस दौरान जो है प्राइम मिनिस्टर बनी, और फिर जाकर के जो 77 के बाद जो आप देख रहे हैं कि पहली बार आप देखेंगे यहाँ पर कि जो है पहली बार मोरारजी देसाई जो है, पहली बार मोरारजी देसाई सॉरी पहली बार मोरारजी देसाई जो है यहाँ पर पीएम बन रहे हैं, और मोरारजी देसाई 1977 में, और ये ज़्यादा दिन नहीं 2 साल लगभग रहे,
और उस समय में ये देखिए जनता पार्टी, ठीक है, बीडी जत्ती जो है उस समय में राष्ट्रपति थे। तो ये 1977 में जो है, मतलब आप देख रहे हैं कि 47 से लेकर के 77, 30 साल बाद जो है पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी केंद्र में। बिहार में भी आप यदि आप इसको देखेंगे तो बिहार में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। बिहार में आप यदि देखना चाहें तो बिहार में आप देखिए तो बिहार में भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि जो पहले कब बनी सरकार, जो आप देखिए श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री हैं 1950 संविधान लागू होने के बाद, और श्री कृष्ण सिंह हैं, इसके बाद दीप नारायण सिंह देख रहे हैं, ये 11 साल तक रहे 1950 से लेकर 1968, ये 17 दिन ही रहे। फिर आए विनोद नारायण झा, ये सब देख रहे हैं कांग्रेस के हैं, 2 साल तक रहे। फिर आए कृष्ण वल्लभ सहाय, ये 3 साल तक रहे ये। अब इसके बाद अब ये देख रहे हैं 1967, और फिर जा करके आगे जब आप देखते हैं कि 67 के बाद जब आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो अब देखिए जन क्रांति दल पहली जो सरकार बन रही है, जन क्रांति दल 1967 में महामाया प्रसाद की अध्यक्षता में 329 दिन रहा। फिर सतीश प्रसाद सिंह, यही सोशलिस्ट मूवमेंट का परिणाम था। यही जो हमने अभी कहा कि 1967 में जो है कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ये गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में बनी जो है वह महामाया प्रसाद सिन्हा, और इसके बाद आए सतीश प्रसाद सिंह। ये जो है सतीश प्रसाद सिंह ये मात्र 5 दिन मुख्यमंत्री रहे, और यही फर्स्ट जो है ओबीसी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, पहले ओबीसी मुख्यमंत्री। इससे पहले जितने भी आप ये कृष्ण नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, दीप नारायण सिंह, विनोद झा, कृष्ण वल्लभ सहाय और महामाया प्रसाद सिंह, ये जो 5 चीफ मिनिस्टर आप देख रहे हैं, ये सब जो है सवर्ण समाज से हैं, और ये पहले सतीश प्रसाद सिंह पहले व्यक्ति हैं जो 5 ही दिन मुख्यमंत्री रहे। और दूसरे मुख्यमंत्री थे बीपी मंडल, जो मंडल कमीशन के चेयरमैन, जिसके आधार पर कि ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दिया गया है, बीपी मंडल वो मुख्यमंत्री रहे, ये भी 51 दिन रहे। ये शोषित दल के थे, ये जन क्रांति दल के थे। तो इस तरह से जो है, नहीं, ये जन क्रांति दल के थे महामाया प्रसाद सिंह, अशोषित दल के थे सतीश प्रसाद सिंह और बीपी मंडल। ये गैर कांग्रेसी सरकार, ये सतीश प्रसाद सिंह ये जो है कुशवाहा समाज से आते हैं, ये बिहार में पहला जो ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री, ओबीसी का मुख्यमंत्री बने वो सतीश प्रसाद सिंह, ये कुशवाहा समाज से आते हैं, और बीपी मंडल ये जो है यादव समाज से आते हैं। तो इस तरह से जो है शुरुआत हुई गैर कांग्रेसीवाद की सरकार की जो है बनना, और इस तरह से जो है पिछड़े वर्ग के लोगों का भी मुख्यमंत्री बनना, ये उसी सोशलिस्ट मूवमेंट का परिणाम था। इसलिए समझना जरूरी है, देखिए मूवमेंट जब तक देश में नहीं होगा तब तक आप जो है सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, और सत्ता परिवर्तन भागीदारी सुनिश्चित करता है। इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया कि अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और केंद्र में भी। तो अब इसके बाद हम आते हैं कि जो गांधी जी, ये लोहिया जी का जैसी कथनी वैसी करनी, गांधी लोहिया के समाजवादी आंदोलन की संकल्पना के मूल में अनिवार्यता विचार और कर्म की उभय उपस्थिति थी। मतलब जो आप सोच रहे हैं वैसा ही कर्म कीजिए। इसमें मूर्तिमंत स्वरूप स्वयं डॉक्टर लोहिया थे। आजन्म उन्होंने कर्म और विचार की जो है इस संयुक्ति को अपने आचरण में जीवंत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। जो आपका विचार है उसी तरह का कर्म होना चाहिए, ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ। ये लोहिया जी का ये व्यक्तित्व था। अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले तमाम व्यक्तियों की भांति लोहिया भी प्रभावित थे। वे जेल भी गए या यातनाएं भी सही। आजादी के पूर्व से ही कांग्रेस के भीतर उनका सोशलिस्ट ग्रुप था। कांग्रेस में ही, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो हमने कहा कि वह कांग्रेस के भीतर, ये कांग्रेस के भीतर ही एक ग्रुप था जो सोशलिस्ट था, और ये बाद में जाकर के सोशलिस्ट पार्टी बन गया आजादी के बाद। तो स्वतंत्रता के नाम पर सत्ता की लिप्सा का यह खुला खेल लोहिया ने अपनी नंगी आंखों से देखा था। तो या देखे थे कि किस तरह से स्वतंत्रता की आड़ में लोग सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए स्वतंत्रता के बाद उसने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसियों के प्रति इतना रोष और क्षोभ था कि उन्हें घूर दक्षिणपंथियों और वामपंथियों दोनों के साथ लेना भी बेहतर विकल्प ही प्रस्तुत हुआ। मतलब वो सोचे कि क्या कहते हैं, जो दक्षिणपंथी लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, उनके साथ रह लेंगे लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, ऐसा जो है लोहिया जी का विचार था। इस तरह से जो है आप इसमें विचार में देखिए, अब मौलिक जो है उनकी क्या रही है, ठीक, देशी चिंतन आप यह समझ लीजिए। चूंकि हम लोग सारे चीजों को एक बार आज समझने की कोशिश कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा। मौलिक और ठेठ देशी चिंतक के रूप में ये थे कि
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनेताओं में मौलिक लोहिया जो है मौलिक विचारक के रूप में सामने आए। लोहिया के मन में भारतीय गणतंत्र को लेकर ठेस देसी सोच थी। अपने इतिहास, अपनी भाषा के संदर्भ में वे कतई पश्चिम से कोई सिद्धांत उधार लेकर व्याख्या करने के राजी नहीं थे। मतलब हम पश्चिम से लेकर के ऐसी बात करेंगे ऐसा नहीं, मतलब जो ब्रिटिश का जो हुकूमत था उससे अपना हम सोचेंगे, देसी हमारी सोच होनी चाहिए। 1932 में जर्मनी से पीएचडी किया, पीएचडी हमने कहा कि वह नमक जो सत्याग्रह हुआ था उस पर किया था। प्राप्त करने वाले राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में देश से अंग्रेजी हटाओ 1957 में जो शुरू किया था कि गन्ना आंदोलन की गन्ना अब तक के उन कुछ गिने चुने आंदोलनों में से की जा सकती है। इसके लिए स्वभाषा राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान का प्रश्न था। उसने कहा कि स्वभाषा राजनीति का मुद्दा नहीं है, स्वाभिमान का प्रश्न है। लाखों करोड़ों जो हीन ग्रंथि से उभर कर आत्मविश्वास से भर देने का स्वप्न उन्होंने देखा था कि जो लाखों करोड़ों लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो स्वभाषा अपनी भाषा, अंग्रेज की थुपी हुई भाषा नहीं, अपनी भाषा में जो है वो शासन प्रशासन को समझे। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान के साधारण लोग, जो हिंदुस्तान के क्या साधारण लोग, अपनी अंग्रेजी के अज्ञान पर लजाए नहीं। यदि अंग्रेजी नहीं आ रहा है तो उसको लजाना नहीं है बल्कि गर्व करना है। और उस सामंती भाषा, ये इसको सामंती भाषा बोलते थे, को उन्हीं के लिए छोड़ दें जो सामंती लोग हैं, जिनके माँ बाप अपने शरीर से नहीं आत्मा से अंग्रेज रहे हैं, शरीर से लेकिन नहीं आत्मा से जो अंग्रेज रहे हैं, वो उसको जो धो रहे हैं, उसको उन्हीं को छोड़ दें और आप जो है अपनी जो मातृभाषा है उसको अपनाएं और उसके आधार पर जो है शासन प्रशासन में भागीदारी को खोजें। ये उनका विचार था। हालांकि लोहिया भी जर्मनी यानी विदेश से पढ़ाई करके आए थे, लेकिन उन्हें इन प्रतीकों का एहसास था कि जिनसे उस देश की पहचान है। शिवरा मतलब विदेश से पढ़ के आए थे लेकिन यहाँ के प्रतीक के प्रति भी उसको वो जो है उसका रुझान था। इसलिए शिवरात्रि पर चित्रकूट में उन्होंने रामायण मेला, उन्हीं की संकल्पना थी, शिवरात्रि में जो है चित्रकूट पर में रामायण मेला उन्होंने शुरू किया था, जो सौभाग्य से अभी तक चल रहा है। आज भी जब चित्रकूट में इस मेले में हजारों भारतवासियों की भीड़ स्वमेव जुटती है तो लगता है कि ये ही हैं जिनकी चिंता लोहिया जी करते थे कि जो लोग जो है संस्कृति से जुड़ेंगे। लेकिन आज उनकी चिंताएं करने के लिए लोहिया के लोग यहाँ पर कहाँ हैं, इस बात का लेखक जो है सवाल उठाते हैं। आगे देखिए कि राजनीतिक शुचिता को लेकर के उनका क्या है, लोहिया जी का। ये सब चीजें जो है जो लोग सामाजिक संघर्ष को लेकर जुड़े हुए उनको जानना जरूरी है। लोहिया जी लोहिया ही थे जो राजनीति कि गंदी गली में भी शुद्ध आचरण की बात करते थे। ऐसे लोग समझता राजनीति बहुत गंदा है, लेकिन लोहिया जी मानते थे कि आप शुद्ध आचरण के साथ भी राजनीति कर सकते हैं। वे एकमात्र ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपनी पार्टी की सरकार से खुलेआम त्यागपत्र की मांग की। मतलब अपनी ही पार्टी की सरकार से त्यागपत्र की मांग जो है लोहिया जी ने किया था, क्योंकि उस सरकार के शासन में आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई थी। तो ये चूंकि ये कांग्रेस, इसमें आपको क्या कहते हैं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस तरह की बात हुई होगी। ध्यान रहे कि स्वाधीन भारत में किसी भी राज्य में यह पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। हिंदुस्तान की राजनीति में तब सफाई और भलाई आएगी जब किसी पार्टी के खराब काम की निंदा उसी पार्टी के लोग करें। कहने का मतलब यह है कि सीखना चाहिए। लोहिया जी बोलते थे यदि किसी पार्टी में खराब काम हो रहा है और आप उसके नेता हैं तो आप उसकी निंदा कीजिए ताकि वो सुधार आए। और मैं यह याद दिला दूं कि मुझे यह कहने का हक है कि हम ही हिंदुस्तान में एक राजनीतिक पार्टी है जिन्होंने अपनी सरकार की भी निंदा की थी, और सिर्फ निंदा ही नहीं की बल्कि एक मायने में उनको इतना तंग किया कि उसे हट जाना पड़ा। ये लोहिया जी का कार्य। तो आगे कर्मवीर के रूप में जो लोहिया जी केवल चिंतक ही नहीं थे, कर्मवीर थे। उन्होंने अनेक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जिसका हम लोग चर्चा कर चुके थे, उनके उसी समय उषा मेहता के साथ मिलकर उन्होंने गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया। 18 जून 1946 को गोवा मुक्ति आंदोलन की बात हम लोग कर चुके हैं। पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन आरंभ किया। भारत को जो है भारत अंग्रेजी को भारत से हटाने के लिए अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, ये उनका काम है। अब एक और विषय पर हम लोग बात करेंगे कि सप्त क्रांति। लोहिया जी का विचार है सप्त क्रांति का विचार। तो सप्त क्रांति में क्या है उनको हम लोग देख लेते हैं। सप्त क्रांति, लोहिया जी अनेक सिद्धांतों, कार्यक्रमों और क्रांतियों के जनक है। इन सभी अन्यायों के विरुद्ध एक साथ जिहाद बोलने की पक्षपाती थे कि जो जो क्या कहते हैं अन्याय है उसके साथ जो है उसके खिलाफ आप रहिए। उन्होंने एक साथ सप्त क्रांति मतलब सात क्रांति, सात क्षेत्र में क्रांति का आह्वान किया। ये क्रांति कौन कौन थी, बहुत समान रूप से आपको समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह से जो है आज भी राजनीति में इन सब चीजों की प्रासंगिकता है। पहला उन्होंने कहा कि नर नारी की समानता के लिए क्रांति। नर नारी पुरुष स्त्री के बीच में कोई इस तरह का असमानता नहीं होना चाहिए। समाज रूप में, समाज में, घर में उसको बराबरी का दर्जा मिले,
उसके लिए, उसकी समानता के लिए हमें क्रांति करनी पड़ेगी। फिर कहा है चमड़ी के रंग पर रची रची, मतलब कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अछूत टाइप से जो लोग बोलते हैं, उस पर आधारित जो राजकीय आर्थिक और दिमागी असमानता है लोगों में, लोगों के दिमाग में असमानता फैला हुआ है कि वह अछूत है, छोटी जाति का है, निम्न जाति का है, चमड़ी के आधार पर, उसके खिलाफ भी क्रांति करने की बात लोहिया जी ने कहा। फिर तीसरा है संस्कारगत जनजात जाति प्रथा, जो जनजात जो जाति प्रथा है उसके खिलाफ, और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए क्रांति। अब ये इसके जो जाति प्रथा के खिलाफ क्रांति करने के लिए कर रहे हैं, और जो पिछड़ा वर्ग है उसके विशेष अवसर मिले इसके लिए भी क्रांति करने की बात कर रहे हैं। यही इसी के आधार पर जो है बाद के समय में जो हम जान रहे हैं कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना कालेलकर की अध्यक्षता में, दूसरा मंडल कमीशन जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में, जो बिहार के दूसरे पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री थे, जिनको बाद में जो है 27% आरक्षण लागू किया गया। तो यही सब चीज का जो है यही एक क्रांति का परिणाम निकला। तो चौथा वो बोलते हैं कि परदेशी गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता और विश्व राज लोक के खिलाफ क्रांति, मतलब दुनिया में कहीं भी परदेशी गुलामी नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्रता के खिलाफ स्वतंत्रता और विश्व लोक राज होनी चाहिए, उसके लिए क्रांति करना होगा। निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ, मतलब निजी पूंजी अधिक से अधिक लोगों के पास, कम से कम लोगों के पास अधिक से अधिक पूंजी है, मतलब देश की अधिकांश संसाधन जो है कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित है, उसके खिलाफ जो है विषमता के खिलाफ जो है, और आर्थिक असमानता समानता लाने के लिए योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने की क्रांति, आर्थिक समानता लाना है और योजना बनाकर जो है पैदावार को बढ़ाने के लिए क्रांति लाना है, ये आर्थिक क्षेत्र में है। निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ, निजी जीवन में आप जो है अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, निजी व्यक्ति का अपना जो विचार विश्वास जो आस्था है उसके पे आप हस्तक्षेप नहीं करें, उसके खिलाफ भी, और लोकतांत्रिक पद्धति के लिए जो है लोकतांत्रिक पद्धति, अलोकतांत्रिक पद्धति नहीं होना चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी क्रांति करने की जरूरत है। आगे कह रहे हैं अशस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति, मतलब हिंसा को कतई जो है नहीं मानते हैं लोहिया जी, सही सत्याग्रह के लिए क्रांति की बात कर रहे हैं। तो ये सारे चीजों को आप एक तरह से, ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है ऑफ इंडिया, आप समझते हैं, यदि आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत को एक जो है संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणतंत्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो मोटे तौर पर ये मोटे तौर से ये सात क्रांतियां हैं, सात क्रांतियों संसार में एक साथ चल रही है, ये सारी चीजें जो है संसार में उनका मानना है कि एक साथ चल रही है, अपने देश में भी इनको एक साथ चलाने की कोशिश करनी चाहिए, बारी बारी मतलब बारी बारी से नहीं, एक साथ जो है अपने देश में भी चलाने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात नर नारी के बीच में जो असमानता है उसको दूर करने के लिए क्रांति होनी चाहिए, चमड़ी के रंग के आधार पर जो राजकीय आर्थिक या दिमागी असमानता है उसके खिलाफ क्रांति होनी चाहिए, संस्कारगत और या जनजात जाति प्रथा के खिलाफ क्रांति होनी चाहिए, पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए क्रांति होनी चाहिए, परदेशी गुलाम के खिलाफ गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज के लिए भी क्रांति होनी चाहिए, मतलब ये जो ये साथ ही साथ चलनी चाहिए, जितने लोगों को भी क्रांति में पकड़ में आई हो, जितने लोगों को भी क्रांति पकड़ में आई हो उसके पीछे पड़ जाना चाहिए और बढ़ना चाहिए, जिनको लोगों को समझ रहा है कि हाँ ये क्रांति हो रही है उनके पीछे आपको लग जाना है और बढ़ते रहना है, बढ़ाते बढ़ाते शायद ऐसा संयोग हो जाए कि आज का इंसान इन इन नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ता जूझता ऐसे समाज और ऐसे दुनिया को बना पाए कि जिसमें आंतरिक शांति और बाहरी तथा भौतिक भरा पूरा समाज बन पाए, मतलब बिल्कुल आदर्श के रूप में रखते हैं लोहिया जी कि आपको जो है जब समझ में आ रहा है क्रांति समझ में आ गई तो आप उसके पीछे पड़ जाइए, आप उसको बढ़ाइए आगे बढ़ाइए, बढ़ाते बढ़ाते शायद ऐसा संयोग होगा कि आज का इंसान जब है इन नाइंसाफी जितनी इसको नाइंसाफी बोलते हैं जिनके विरोध में क्रांति करने की बात कर रहे हैं कि उसके खिलाफ जूझते जूझते ऐसे समाज ऐसी दुनिया को बना पाएंगे जिसमें कि आंतरिक शांति और बड़ी बाहरी आंतरिक रूप से शांति हो और बाहरी या भौतिक जो रूप से जो है बड़ा पूरा समाज हो, ये लक्ष्य जो है निर्धारित हो जाएगा। तो इस तरह से इन सप्त क्रांतियों के बाद के जो है जो समाज है उनकी बात लोहिया जी करते हैं। भारत विभाजन पर लोहिया जी के क्या विचार है उनको भी समझने की जरूरत है। उस समय की तमाम ऐसी घटनाओं और स्थितियों का जिनके प्रति एक आम भारतीय नागरिक के मन में बहुत स्पष्ट और तार्किक व्याख्या नहीं है कि लोहिया जी जो है क्या इनके बारे में क्या विचार है, लोहिया ने अपनी पुस्तक गिल्टी मैन एंड इंडियाज पार्टीशन, भारत विभाजन के गुनाहकार गुनाहगार कौन कौन है, उनके में परत दर परत जो है रहस्यों को खोला है, किन वजह से जो है भारत का विभाजन हुआ। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उस समय के उनके पूरे आंखों देखे इतिहास को ही नहीं बल्कि उसके एक सक्रिय जीवंत पात्र रहे लोहिया की बातों को आजाद भारत में सत्तारूढ़ दल द्वारा
एक विपक्षी नेता की खींच से ज्यादा कुछ समझने नहीं दिया गया, जबकि सच्चाई यह है कि सत्ता हस्तांतरण के खेल की असलियत संग्रहालयों में दफन दस्तावेजों से ज्यादा लोहिया जैसे नेताओं को भी मालूम थी, जिसे होते हुए उन्होंने अपनी आंखों में से देखा था। तो लोहिया जी के इनके विचारों को समझने की जानने की जरूरत है, इससे पता चलेगा कि जो उस समय में जो कौन लोग थे असली रूप से जो है भारत विभाजन के लिए गुनाहगार। अब हम लोग आगे देखेंगे कि लोहिया जी की जो लेखन रही है वो क्या क्या रही है, क्या क्या राम मनोहर लोहिया ने अपने विषयों पर, अनेक विषयों पर अपने विचार लिखे, लेख लिखे, पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया। चूंकि बहुत बड़े चिंतक थे और बहुत अच्छी एजुकेशन थी उनकी, तो बहुत उनकी रचनाएं प्रमुख रूप से क्या है, अंग्रेजी हटाओ, इतिहास चक्र, पढ़ना चाहिए नई पीढ़ी के बच्चों को, लड़कों को, खास करके जिनकी उम्र 20 से 35 वर्ष है और वो SC ST OBC कम्युनिटी से आते हैं, और सामाजिक न्याय या ऐसी जो सप्त क्रांति की बात लोहिया जी कर रहे थे, इनको इनके विषय में कुछ आप अपनी समझ रखना चाहते हैं तो इन सब रचनाओं को पढ़ना चाहिए। और जब तक आप बहुत अधिक रूप से अध्ययन गहन अध्ययन नहीं करेंगे तो सामाजिक चेतना आप नहीं ला सकते हैं। तो ये इनकी रचनाएं हैं, इतिहास चक्र, देश विदेश नीति कुछ पहलू, धर्म एक पर एक दृष्टि, भारतीय शिल्प, भारतीय विभाजन के गुनाहगार जो अभी हमने चर्चा किया, मार्क्सवाद और समाजवाद पर इनके विचार, राग जिम्मेदारी की भावना अनुपात की समझ ये इसकी रचना है, सम लक्ष्य संबोध समदृष्टि और सच कर्म प्रतिकार एवं चरित्र निर्माण का आह्वान, समाजवादी चिंतन, संसदीय आचरण क्या होना चाहिए, संपूर्ण एवं संभव बराबरी एवं दूसरे भाषण, हिंदू बनाम हिंदू इनकी रचना है, हिंदू बनाम हिंदू इन्हीं की रचना है, हिंदू बनाम हिंदू। इसके बाद जो है ये सारी इसकी रचना है, अंग्रेजी में भी इनकी काफी रचनाएं हैं, अंग्रेजी में आप रचनाओं को देख लीजिए, अंग्रेजी में क्या क्या रचनाएं हैं, ये सारी रचनाएं जो है द कास्ट सिस्टम ये इनकी रचना है, फॉरेन पॉलिसी, फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड, फंडामेंटल्स ऑफ द वर्ल्ड माइंड, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन जो हमने अभी पढ़ा हिंदी में, इंडिया चाइना नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, मार्क्स गांधी से सोशलिज्म, कलेक्टेड वर्ड्स ऑफ डॉक्टर लोहिया, ये सब जो है यह जो है अनुवादित है, संपादित है 9 भागों में जो है डॉक्टर मस्तराम कपूर द्वारा 9 भागों में संपादित है, ये सब है लोहिया जी के जो है राइटिंग्स है। इसके बाद यदि हम और देखेंगे कि जो इन पर जो इनको जो इनके जो स्मारक में जो हुआ है भारत के अंदर बाहर उसको देख लेते हैं कि अवध विश्वविद्यालय का नाम बदल करके डॉक्टर लोहिया राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय रखा गया, इनके नाम पर भारत के एक प्रमुख विधि स्कूल लॉ स्कूल को उसका नाम रखा गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। इसके बाद पंजी चूंकि गोवा मुक्ति आंदोलन से जुड़े थे तो 18 जून रोड जो था उनका नाम बदल करके जो है राम डॉक्टर लोहिया के नाम पर रखा गया है, क्योंकि 18 जून 1946 को इसी जगह से उन्होंने पुर्तगाली शासन के विरुद्ध जो है गोवा मुक्ति आंदोलन शुरुआत किया था। 1970 में दिल्ली में विलिंगटन हॉस्पिटल में इनका चूंकि निधन हुआ था तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल इसका नाम दिया गया है, इसकी अंतिम सांस लिया था। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान इसके नाम पे है। इनके गृह नगर अब अकबरपुर का नाम बदल करके नाम पर एक सामुदायिक भवन बना हुआ है, इनका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भवन। कर्नाटक के बेल्लारी में इनके नाम पर ही लोहिया प्रकाशन नामक एक प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थान है। ये सारे के सारे इनके स्मारक है। तो आप एक रूप से आप देखिए कि किस तरह से हमने एक लंबा वीडियो हमने बनाया है, लेकिन हमने देखने की कोशिश की है कि किस तरह से शुरुआत से लेकर के जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जीवनी को हमने अपनी समझने का कोशिश किया कि उनका जो है पैसे प्रारंभिक जीवन शिक्षा कैसा रहा, यूरोप प्रवास के दौरान उन्होंने किस तरह से अध्ययन किया, इसके बाद वहां से जब आए स्वदेश आगमन हुआ, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या भूमिका हुई, इसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन में जो है उसका क्या भूमिका है, इसके उससे पहले कांग्रेस अधिवेशन या कांग्रेस जो संगठन था उसमें एक सोशलिस्ट विचारधारा के लोगों का एक मतलब वो समूह कैसे चलाते रहे, और फिर जब भारत का जब स्वतंत्र हुआ तो एक सोशलिस्ट पार्टी बना करके वही भारत में जो अभी जो भारत में समाजवादी विचारधारा का जो आप देख रहे हैं उसकी नींव उसी समय पे आजादी से पहले ही लोहिया जी रख चुके थे, और उसी का भी जो है आगे बढ़ता हुआ विस्तारित जो प्रोग्रेसिव जो सोशलिज्म आप जो देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में आप वो देख रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के उनका जो अलग अलग हमने देखा, नेपाल के राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी उनकी भूमिका, इन सब सब बातों को, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, फिर उनके उनके उनका निधन हुआ, इन सारी चीजों को हमने देखा,
आप ये भी देखें कि उसकी शुचिता, राजनीतिक शुचिता के वो पक्षधर थे। सप्त क्रांतियों की हमने चर्चा की, ये सात क्रांतियों की हमने सब चर्चा की। तो ये सारे चीजों को हमने जो है देखने का कोशिश किया है लोहिया जी के इन पूरे जीवन यात्रा, जो जीवन संघर्ष, राजनीतिक चिंतन जो हमारे सामने आज है। आज उनके निधन के काफी वर्षों बाद 1957 में जो है उसका उनका निधन हुआ था। क्या कहते हैं, और वो सॉरी 67 में, 1967 में उनका निधन हुआ था, और 57 वर्ष की आयु तक वो रहे। उनके द्वारा क्या क्या लिखा गया वो हमने अभी देखा। फिर इस तरह से हम पूरे के समग्र रूप से, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि विभिन्न राज्यों में जो सरकारें बनी 1967 के बाद, खास करके विभिन्न राज्यों में जो सरकारें बनी वो अलग अलग राज्य में से, कि हमने बिहार में भी देखा, हमने यूपी में देखा, और भी सभी राज्यों में लगभग इसी तरह के बदलाव हुए, सत्ता में बदलाव हुए। 77 में केंद्र में सरकार जो है कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये एक देखिए, जब तक जो संघर्ष नहीं होगा, एक जो यदि कोई सत्ता लंबे समय तक देश में शासन करती है तो वो एक जो है डिक्टेटरशिप उसमें आ जाता है, अधिनायक वक्त आ जाता है। और फिर जो अभी भी अभी क्या है कि समाजवादी विचारधारा जो अलग अलग राज्यों में, जैसे आप बिहार में समाजवादी विचारधारा के आप देख रहे हैं कौन कौन सी पार्टियां हैं जो इसको लेकर चल रही है, जैसे बिहार में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, मतलब अलग अलग राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में भी इन विचारधारा को अलग अलग पार्टियां लेकर चल रही है। तो जो पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती है, पॉलिटिकल पार्टी वो सोशल मूवमेंट से निकलती है। सोशल मूवमेंट जो जो भी है, सोशल मूवमेंट जो चलाए हुए हैं पुराने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो सामाजिक चिंतक हैं, उनके सिद्धांतों के अनुरूप ही अपने पॉलिटिकल आइडियाज को डेवलप करते हैं। तो ये हमारा आज का जो है एक डिटेल जो है रहा, और मुझे लग रहा है कि हमने भी इस वीडियो के माध्यम से एक समग्रता से डॉक्टर लोहिया को हमने समझने की कोशिश की है। ये एक्चुअली हम भी समझना चाह रहे हैं, मैं भी सीखना कोशिश कर रहा हूँ कि उनके क्या विचार हैं और आज वो विचार किस तरह से प्रासंगिक हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रासंगिकता। आज हम 21वीं सदी में हैं और ये 2023 है, तो यहाँ पर है कि आखिर जो सप्त क्रांति में आपने देखा कि इसमें कहा गया है जो वंचित वर्ग है उनको विशेष अवसर मिलने चाहिए, उसके लिए लेकर के गैर बराबरी जितनी है उसको खत्म करना है, आप ये प्रासंगिक है कि नहीं, इन बातों को समझना है कि क्या जो वो सप्त क्रांति की जो बात करते थे डॉक्टर लोहिया, वो आज वो क्रांति पूरी हुई कि नहीं। यदि नहीं हुई है तो इन क्रांति में आप देख लिए, नारी महिला पुरुष के बीच में असमानता है, तो इसका मतलब उस क्रांति को अभी हम आगे बढ़ाना है। रंग मतलब चमड़े के रंग के आधार पर जो राजकीय या आर्थिक या दिमागी तौर पर असमानता है उसके खिलाफ तो ये है, अभी जमजात और जो जाति प्रथा भी है, जाति प्रथा के खिलाफ हमको क्रांति लाना है। पिछड़ों को अभी अवसर मिलना चाहिए, राजनीतिक सामाजिक अवसर मिलना चाहिए, उसके प्रति भी क्रांति लाना है। जैसे कि अभी SC ST को पॉलिटिकल लीडरशिप है, रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में, OBC को नहीं है, तो उसके लिए भी जो भी प्रयास हो रहे हैं, जातिवार जनगणना की मांग हो रही है, विशेष अवसर देने की बात हो रही है, OBC आरक्षण मिला है विभिन्न राज्यों में लागू नहीं हुआ है, उसके लिए भी क्रांतियां हो रही है। तो यही सब जो सिद्धांत जो पहले बनाए जो वो आज भी उसी रूप में प्रासंगिक है, इसलिए इसलिए आज डॉक्टर लोहिया की प्रासंगिकता है। इन चीजों पर उन्होंने अपनी थेसिस जो है दी है, और हमें जो भी युवा जो सामाजिक न्याय या समतावादी समाज बनाने की ओर जो भूमिका, जो आंदोलन है, जो संघर्ष है, उसमें अपनी भूमि भागीदारी देना चाहते हैं, तो इन सब चीजों को जो है जानना समझना है चाहिए। और उनकी जो क्या कहते हैं, जैसे सत्याग्रह, सत्याग्रह के होना चाहिए, आप अस्त्र से आप युद्ध नहीं कर सकते हैं, और यह शांतिपूर्वक आप जो है समाधानिक तरीके से जो आप जो है सत्याग्रह करके जो है जो अपना जो अधिकार है उसके लिए आंदोलन कर सकते हैं, आर्थिक असमानता जो है विषमता उसको दूर करने के लिए, निजी क्षेत्र में जो अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप के खिलाफ, ये सब सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आज के दौर में भी डॉक्टर लोहिया की प्रासंगिकता है। हाँ, समाजवादी जो खेमा है उसमें कुछ दृष्टिकोण के अंतर पर अंतर हो सकता है, क्योंकि पहले जो समाजवाद जो नेतृत्व मिला था, किया गया था समाजवाद भी आंदोलन का, उस नेतृत्व में अधिकांश जो है पिछड़े दलित वर्ग के जो नेता हैं वो नेतृत्व में उस समय में शामिल नहीं थे, तो उसके दृष्टिकोण उतने ज्यादा जो है समावेशी नहीं हो पाया था। लेकिन आज के दौर में पिछड़े और दलित वर्गों के बहुत सारे, सभी राज्यों में बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक संगठन जो है काम कर रहे हैं, तो अब जो
अब जो दृष्टिकोण उभर के आ रहा है समाजवाद का, यह दृष्टिकोण जो है एक अलग तरह का समाजवाद है, और जो इस समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए हमें उसमें अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान जो डेवलपमेंट हुए हैं उस परिप्रेक्ष्य में, तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए और जो आवश्यकता है संशोधन की या परिमार्जन की, उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और इन रचनाओं को जहां जो मिले उनको पढ़ने समझने की बात कोशिश करनी है, तब जाकर के जो है सही रूप से हम लोग जो ये जो हमारे समाजवादी चिंतक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनके विचारों को आज बहुत सारी पार्टियां बहुत सारे संगठन महत्व देती है, और यूथ को तो खास करके, कोई भी आप जब तक आप चिंतक को नहीं पढ़ोगे, फिलोसफर को, पॉलिटिकल थिंकर्स को नहीं पढ़ोगे, और ये कितने कितने बड़े विद्वान हैं, डाक टिकट जारी किया गया था 1997 में, इससे पहले भी जारी किया गया था, इतने बड़े विद्वान है कि हमने आप लोग हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है शुरू में इनका जो रहा है। आप शुरू में देखिए, यहाँ जो एक तस्वीर है आप देख रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, मणिराम बागरी हैं, और मधु लीमिए और एम एन जोशी, ये सब इनके साथ इसकी तस्वीर है। और आप इसका देखिए कि जो हमने जो पहले जो कहा कि पहले जो हमने कहा कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कि किस तरह से संक्षेप में हम यदि समझने की कोशिश करें, तो इनका जो जन्म फिर से एक बार 23 मार्च 2010 1910 उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ, और 12 अक्टूबर 1967 को 57 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में इनका देहांत हुआ। कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए किए, हम्बोल्ट विश्वविद्यालय बर्लिन से इन्होंने पीएचडी की, और पहले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जुड़े हुए थे, फिर प्रजा समाजवादी पार्टी जो किसान मजदूर प्रजा पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी दोनों मिलकर जो प्रजा समाजवादी पार्टी बना, इसके बाद संयुक्त समाजवादी दल बना, ये सारे के सारे इनका पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां रही है। तो ये एक संक्षिप्त परिचय नहीं, एक विस्तृत चर्चा है। मुझे लगता है कि आप सब जो भी आप लास्ट तक इसको आपने देखा काफी अच्छा लगा होगा, तो आप अपने विचार से जरूर अवगत कराइएगा कि आपको क्या, आप में इसमें क्या आपने समझा, क्या आपने लर्निंग लिया। और ये वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन एक महापुरुष को, एक महापुरुष सामाजिक चिंतक राजनीतिक चिंतक, जिनके विचारों को आज भी उनके निधन के 50 साल बाद भी हम लोग इतने शब्द से गहन अध्ययन करते हैं, और सभी राजनीति बहुत सारी सब जो सामाजिक विचारधारा समाजवादी विचारधारा की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन हैं, सब इसके जन्मदिन को मनाते हैं। तो निश्चित तौर पर 1-1.5 घंटा में आप इसको समग्रता से समझेंगे, 2-3 बार देखेंगे, तो आप जो है आप भी कहीं पर अपने विचार को रख पाएंगे, क्योंकि किसी भी महापुरुष के विचार को आप 2 लाइन में यदि बोल दे रहे हैं, इसका मतलब आपने उसको अध्ययन नहीं किया है। यदि आप अध्ययन करेंगे तो 2 बातें होंगी, आप समाज में बातों को रख पाएंगे, और आप अपने व्यक्तिगत जो सामाजिक आंदोलन से आप जिससे जुड़े हुए हैं वहां भी उनको आप अपने जीवन में उतार करके एक उसमें जो बदलाव ला सकते हैं, काम करने के तरीके में किस तरह से, आप देखिए कि इन्होंने एक रोड मैप दिया कि कैसे समाजवादी संघ जो क्या कहते हैं देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, एशियाई सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस की भी बात की, और समाजवादी का जो भी ढांचा हमारे भारत में है उसकी एक तरह से नींव इन्होंने जो है तैयार की। यह बहुत ही अच्छा आज का हमारा रहा है, आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं शेयर कीजिए। देखिए शेयर करने से भी जब जिसके परिवेश में आप रहते हैं उस परिवेश में यदि जो बात आप सीख रहे हैं वह पास यदि अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं तो धीरे उसको भी पता चलता है, तो फिर आपका कन्वर्सेशन भी स्ट्रांग होता है। तो आप अपने सभी ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह में ग्रुप जुड़े हैं, तो आप उसको शेयर कीजिए, और फिर हम लोग किसी एक चिंतक जो दार्शनिक और चिंतक सामाजिक चिंतक के बारे में विस्तृत जो है चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहे, धन्यवाद, थैंक यू।